पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। आस में शिक्षा, प्यास में शिक्षा, हर धड़कन हर सांस में शिक्षा, हर बच्चे का अधिकार है, मेरा प्यार है शिक्षा। देता खुद दसवीं फेल बाड़े, शिक्षा के ज्ञान केकरा के बाटा ताड़े। एही से समझावे खातिर आइल बानी। स्कूल के मैडम कहत रहलिया कि तू लोग अपना बच्चा के स्कूले नहीं खबेजत, इतना देर से ही लोग समझावत आ, तारा समझे में नहीं के आवत। पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तभी भ्रष्टाचार से लड़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तभी दुश्मन की छाती पे चढ़ेगा इंडिया। भारत माता की जय। राजा भैया जिंदाबाद, राजा भैया जिंदाबाद। अपना अपना बच्चा के स्कूले भेज दिया लो, आगे से मैडम हमसे शिकायत करी है तो फिर देख लिया लो, बताओ लोग के। राजा भैया जिंदाबाद, राजा भैया जिंदाबाद। सांस में शिक्षा, सांस में शिक्षा। एक गाना गावल बंद करा ना, तो क्यों के नजर लग जी हमने के प्यार पे, का दिन भर हमारे नाम के माला जपत रहला। का करी, तारा बिना मने ना लागेला हमार। इसे हम दिन रात शिक्षा शिक्षा नाम के माला जपत रहनी। अच्छा अब हमरा के जाए दो, लेट होता। फिर कब मिलबू? जब तू चाहबा तब। सब करबा अधिकार मगर मोर प्यार बस शिक्षा। अरे अरे रवई का करत बानी, छोड़ी जाई यहां से। का करता नी? हम जन करता नी, एक के रोमांस कहल जाला, रोमांस। अच्छा तो रवा रोमांस करल चाहता नी, अकेले में करी, हमरा के बहुत काम बा जाई दी। अरे रोमांस अकेले में कर जाला का? हाँ, कहल अकेले में ना, लेकिन अकेला में होला। और बल्लू सुतल बा, उठ जाई तब। सुतल बा ता सोते था। अरे अरे दरवाजा खुलल बा, बंद बा। बल्लू भैया, अरे सुतल लेके जगवला ना लो, एक स्कूले जाए गए अभी ले सुतल। चल ना जा, चल जल्दी तैयार हो। ए वार कहां बे, चल 2 मिनट के अंदर जल्दी तैयार होके निकल। छोड़ी हमरा के, अगर दरवाजा बंद रहे तो देवर जी भीतर कैसे आ गए ने? लागत है रउआ हमरा के एक दिन लजोइए के दम ले। तो कहा भाई ना, कुछ ना, छोड़ी। सूद गेले का बे, ए बलुआ। अरे चाचा रुकी ना, निकल जल्दी। अरे चाचा रुकी ना, आवता नहीं ना। चल आओ। नो नो ना, पानी ठंडा बा, हम ना नाए। गर्मी में तो के गरम पानी चाहिए। बैठ बैठ। चलो साबुन लगाओ की जरूरत नहीं, क्यों मैं केमिकल होला। आओ चल कपड़ा पहन। नंदू देखो, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर अपनी 12 कंपनियां भेज रहा है। अच्छा वाह, देखा ये पाकिस्तान ससुर कभो नहीं सुधरेगा ना। अरे समय समय पे ना इसको सर्जिकल स्ट्राइक का डोज देना ही चाहिए। भगवान करे ऐसा मुल्क
किसी भी देश को पड़ोसी ना मिले। ए बाबा, हाँ एगो आपन पड़ोसी देश तो चीनो भी बा ना। हाँ हाँ। सरवा रहरा के बदमाशी करत रहेला, ओकरे बारे में राउर का ख्याल बा? चीन के बारे में जी। आ तुमको मालूम है जब हम फौज में थे हाँ। और चीन बॉर्डर पे थे तो हाँ। हम चीनियों को चीनी कम चाय पिला दिए थे। का बात बाबा, वाह। अरे आगे तो सुनो। इली चाय। बेटा शिक्षा पे ध्यान दे, समझला? चल चल चल। अरे राजा बेटा, आए? आरती तो ले ले बेटा। हाँ। प्रसाद ला। ए, प्रसाद ले ले, ले बेटा। अरे रे रे, खुश रहा खुश रहा खुश रहा। चल गोड़ पर गोड़ पर गोड़ पर। दादी जी प्रणाम। हाँ। इधर आओ इधर आओ। का रे, शुगर फ्री चाय है, शुगर फ्री। अच्छा द दूसरा लेके आओ। तनी दूसरा लेके आओ। तनी भाग, लगता मिस्टेक हो गया। जो भाग। चल दबाओ दबाओ। अरे दबाओ। दादाजी प्रणाम। हाँ खुश रहा बेटा, खुश रहा। गोड़ पर दादाजी प्रणाम। हाँ बेटा खुश रहा खुश रहा। राजा हाँ। संभाल के जाइए। ठीक बा ठीक बा। चल घर का कोई भी छोटा मोटा काम हो ना तो बहाना बना के निकल जाता है, लेकिन बल्लू को स्कूल लेके जाना तो रोज सुबह टाइम पे कभी नहीं भूलता, बराबर ले जाता है। फिर जानी आई हा, अब जा। अच्छा एगो बात बता, ई जब देखा तब ई सैड सॉन्ग काहे गावेले रे? अरे चाचा, तहरे खातिर त गावता नहीं, जल्दी से सीख ला। काहे कि तहर लक्षण देख के हमरा के लागत है ना कि तहरो के बहुत जल्दी सैड सॉन्ग गावे के पड़ी। चुप करा। उतर बेटा। हाँ। जो क्लास में जो। ठीक बा चाचा, बाय बाय। अरे अब जाना। अबे तुझो ना। लेट हो गई। हम जाना था नहीं, तू किकरा के खो जाता रहा। जाना था रे तो पूछत काहे बाड़ी जो। अच्छा ठीक बा, अब तू इंतजार करो, हम जाता नहीं पढ़े। जो गुड मॉर्निंग। यहाँ का होता आओ बलुआ के छोड़े आयल रही और तारा के छेड़े। जनाब ये स्कूल हा और यहाँ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होला। अरे तो हम पढ़ाई करे आयल बानी, लव के पढ़ाई। अच्छा अच्छा ठीक बा। ये बतावा बल्लू पढ़ाई ठीक से करा था ना? कोनो शिकायत? शिकायत बलुआ से तो नहीं खे, लेकिन ओकर चाचा से जरूर बा। अच्छा ई बतावा हमार कौन शिकायत है? ढेर हीरो मत बना, ई बतावा हमार गिफ्ट कहाँ बा, जल्दी से दो। बल्लू के लगे बा, ले लिया। ठीक बा, लेकिन हाँ तू अभी यहाँ से जा, हमके क्लास में जाए के बा। पक्का पक्का। ठीक बा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बैठो बच्चों। थैंक यू मैम। बल्लू। जी मैडम जी। बेटा तोहर चाचा जवन तोहके गिफ्ट देले रहलन वो दे दा। एक शर्त पर, बबली के बोले कि वो हमरा बेंच पर बैठे। अच्छा बेटा,
अभी से गर्लफ्रेंड बनाओ तोड़ा रुको तो हर पापा से बोला था नहीं चलो ना 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 मैडम जी ली ली I love you जान I love you too हम तोरा सामने बानी और तू हमके मोबाइल में देख के चुमा तड़ा अरे तू यहाँ खेत में क्या करता रू खेती करी आयल बनी खेती हाँ मोहब्बत के खेती करी आयल बनी हम अच्छा तय वो बात जाना तारू मोहब्बत के खेती करे के बाद पहले दिल जोड़े के पड़ी आवा अरे यार रुको ना ए बेईमान हम जान लो कता नहीं अरे हम मुन्ना ला ट्रैक्टर अरे मुन्ना तू कबैला तहर लक्षण ठीक नहीं खेल लागत अरे ना ए उतार अरे उतार अरे यार छोड़ा तो ना समझ बासो ना समझे खूब समझ में आवता आदमी के इज्जत बचल रही ना तो बीच समाज में चार जूता खा के जी ली मर्दवा तोहरा जैसन बेदीन आदमी के हम खेत ना जोतब जोतवा लिया केहू और से जा अरे अरे बाप तो अजीबे आदमी बा भाई का भैया ई कौन शौक तू पाल लेला मर्दे का बोली ए गधा तोहन तोहनो साला उल्टा समझत वासो ऊ बात ना रे अच्छा जा दूसरा ट्रैक्टर बुला लिया वासो काम कर सन चल सन इंकरा साथे रहल ढेर ठीक ना बा ना तो जेंडर बदल दियन बाबू सर गधा है बा वेलकम जान राजा तू एजा का है हमरा के एजा देख के तो के खुशी नहीं के होत मम्मी पापा देख लिया जा तो बहुत बड़ा बवाल हो जाए का बवाल हो जाए अरे होखे वाला दामाद के देख लिया तो का हो जाए अच्छा ये सब छोड़ा का फोन में चुम्मा दे के थैंक यू बोला तारो हम सामने बानी डायरेक्ट चुम्मा दे के थैंक यू बोला तो यही खाती ये गिफ्ट दिल गई ला ताकि तू हमरा से चुम्मा मांग सका वो तना मिली लेकिन हाँ एक गिफ्ट के बदले में कुछ और चाहिए तो बोला तू हमार दुल्हन बन के हमरा घरे आ जा उकरा से बड़ गिफ्ट हमरा खातिर कुछ ना हो सकेला उकरा खातिर हमार मम्मी पापा से तोहरा के हाथ मांगे आए के पड़ी हमरा घरे बिटिया हाँ केकरा से बतियावत रहलू बिटिया अरे माई फोन में पढ़ाई करत रहनी है अच्छा अच्छा ठीक बा हम खाना निकाला था नहीं तू जल्दी से आ जा ठीक बा का हो बिना गाना गईले ही खाना खाई जाए संजय ने कहा आंसुओं से पूर्ण नेत्रों वाले अर्जुन के प्रति भगवान मुझसे शादी करो अरे तोर इहे उम्र में बार पाक गईल तब तो लोग के समझ में नहीं खे आवत का का अरे पापा पापा हमार ब्याह कराए दा अरे हम 35 साल के हो गए बानी आधी उम्र सिंगल ही कट गई तू तो मैं ब्याह कराओ अरे तोरे लाये कोनो लड़की मिली तबे ना ब्याह होगी तोर हा? अरे माई अरे पापा तू लोग कोनो लड़की ढूंढा तो ना सही ना। पहले शिक्षा की ब्याह हुई तबे ना लायक की ब्याह हुई अरे दादी ए दादी देखा दादी ई शिक्षा ना हमारा से 10 साल छोट बिया तो पहले हमार ब्याह होके चाहिए ना तू नहीं चाहता रू कि तोरा मरे से पहले हमार ब्याह हो जाए हर दादी अरे न लायक कहे हमारा मतारी के मुंगा उतरे रे हैं ठीक बा एक गोले की बिया हमरा नजर में हम बात करब अरे पापा पापा सही कह दारा ना हाँ अरे लड़की बिया ना
कैसन बिया बतावा। अरे तू तू गुटका खैनी के पुड़िया आऊ उ मोम सी गुड़िया। अरे 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 एक मिनट आज तो दरवाजा बंद बना। अरे दरवाजा छोड़ा पहले हमरे लगे हवा आवा ना दरवाजा केहू ना तोड़ पाए चाहे खली आ जाए चाहे बाहुबली आ जाए ऐसन के लिए लगे ले बानी आवा ना। अरे बलुआ करे अभी ले सुतले बाड़े। अरे आज तो सुते आज घर पे की उठ बे। अरे अभी देख हम तैयार हो गए नहीं अभी ते आज के लिए बाड़े उठ 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 उठ। अरे अरे आज करे चल। अरे चाचा पर बात तो सुना संडे हा ई कहा रवा कहत रहनी चाहे खल्ली आ जाए चाहे बल्ली आ जाए लेकिन किल्ली ना खुली कैसे खुल गई। बलुआ के स्कूल छोड़े के चक्कर में इतना बेचैन हो गई बा ही किल्ली ना किला तोड़ दे। अगर अपने पढ़ाई खातिर इतना बेचैन भइल रहित ते कहीं कलेक्टर हो गेल होत। अब छोड़ा ई कुल बात आवा ना। हमरा के ना एक बार जाई। अरे सुनो ना ना कुछ अरे ना सुनो तो रवा अकेले रही बस। अरे ए रुक जल्दी आ गेल बनी सनकारे क्यों लोग थे नहीं खे। ए भाई साहब हाँ यहाँ वा बोला का बात बा अभी के वाइल लिखे यहाँ घड़ी बेच के पैसा बचावे के बा एगो दिन बताए वाला घड़ी खरीद ला। ए देश के यह प्रॉब्लम बा जेके देखा उहे ज्ञान बांटे लगेला। हम ज्ञान नहीं की बांटत भैया अगर हम ज्ञानी रहती ना तो यहाँ स्कूल के हेडमास्टर रहती चपरासी ना। और हाँ आज एतवार हा बुझाइल दिमागे में नहीं घुसती करा। अब अरे मतलब अभी तो पिछले हफ्ता आइल रहे एतवार अब फिर आ गई का हुई ये देश के हमरा तो समझे में ना आवेला। काहे अब आ गई बानी जा तो पढ़ू लेबे के। अरे हम कहत रहनी आज संडे हा लेकिन तहरा तो सुने के ही ना रहे पता ना संडे के दिन भी तहरा चैन ना मिलत रहे मैडम जी के बिना। गुस्सा मत होगा कोनो बात नहीं की चला आज हम तोरा के आइसक्रीम खिया बता नहीं। अच्छा हम कोनो नर्सरी क्लास के बच्चा ही का आइसक्रीम खिला के सब भूलवावल चाहता रा। अरे हम सब जाने नी तू हमरा खातिर ना तू शिक्षा मैडम खातिर स्कूल आवेला। और हाँ अपन ही अत्याचार बंद करा और अपन ही प्यार के चक्कर में हमार बचपन और अपन जवानी बर्बाद मत करा। अरे सॉरी भाई बाकी भाषण चल के घरे दे दिया आवा चल बैठा। का हो कहाँ लौटे ला। अरे भैया का बताई अब एकरे पढ़ाई का हमके इतना चिंता हो गई ला इतना लोड हो गई ला कि हम भुलाए गे नहीं कि आज एतवार है। इतना लोड मत ला हमार चिंता बा कि तारा उ मैडम जी के चिंता बा सच सच बताओ सबके। ए कौन मैडम रे। ए अरे कुछ बोलत रहेला कैसन मैडम रे डर बोलबे तू स्कूल बंद है ना आज हम तो के पढ़ाई चल। अरे तू कोनो मास्टर होगा टीचर होगा जो हमके पढ़ाईबा। मास्टर ना है तो उसे का चल 19 के पाड़ा सुना। अरे 19 के पाड़ा छोड़ हमरा के दू के पाड़ा सुना। लोड तो और लोड हो गई। ए जी दादाजी से बात करी ना हमारे बहन के ब्याह है का ई लोड हम ना उठा पाए। ज्यादा गुस्सा ना कर जाला बेटा लाखा जब तू हमरा उम्र के होखबा ना तब तारा बुझाई अभी चाचा के बात नहीं के बुझात। अच्छा सुन ना तनी अपना मैडमवा से बात करना कि तोरा के संडे के ट्यूशन पढ़ाइए का। एक तो हमरा के संडे के स्कूले ले जाता रा ए? और अभी हमरा के संडे के आराम ना करे देबा ट्यूशन पढ़ाइबा हमरा के। अच्छा ठीक बा चिल्लो मत आराम से खाना खो आराम से चिल्लो मत बाबू ना तो कपार पर गर्मी चढ़ जाए। ली का भौजी एक लड़का के मतारी हो गई लो लेकिन अब अहिन ले रोटी बनावे ना इल तारा यही से कहता नहीं कि ब्याह कर ली
देवर जी, हमार छोटकी बहन ना बहुत ही गोल गोल और सुंदर सुंदर रोटी बनावे ली। और बहुत सुंदर सुंदर गरियावे ले भी। देवर जी, हम कहत आनी कि बहुत ही भाग्यशाली होए जेकरा संगे हमार छोटकी बहन के ब्याह होई। जानो दारू, हाँ। हमरा कोनो दिक्कत नहीं के, हम तो एकरा दिक्कत के बारे में सोचत आनी। आज ले लड़का चाचा कहले बा, अब एकरा के मौसा कहे के पड़ी, अच्छा लगी करे। अरे तू चाचे ठीक बाड़ा, चाचा बाड़ा तो हमरा के त्वारो के स्कूल ले जाके पढ़ावत बाड़ा, और मौसा बन जाई बता तू तो हमार जाने ले ले बा। तू चाचे ठीक बाड़ा, मौसा मत बना। ज्यादा बोलबे। ए भौजी, ले आ जा जा रोटी ले आ। बार बेटा, हम का सोचे था जाना था रे, तोर चाची ऐसा ले आए कि सारे तो के स्कूल हूं ना जाए के पड़े, घर ही में तोर पढ़ाई हो। ले नंदू, तुमको मालूम है ये बंदूक हमको कब मिली थी? कब बाबा? अरे जब मैं फौज में था ना, एकरा सरकार हमको इनाम में दिया था, लेकिन आज है राजा। का बाबा? बात सुनो, वो हमारे दोस्त राम नारायण जी है ना, उनकी पोती को लड़के वाले देखने आने वाले हैं। बेटा, अपने घर का कोई सदस्य वहाँ रहना चाहिए, हर काम काज में हमारे पास आते हैं, हमारी मदद करते हैं, तुम वहाँ चले जाओ। कब बाबा? अरे आज और कब बाबा, हमारे पास टाइम नहीं के, अगर हम वहाँ जाए तो यहाँ बलुआ की पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो जाए। तोरा के बलुआ की पढ़ाई लिखाई की चिंता करे की जरूरत नहीं खे, ये है ना तुम्हारे पिताजी, वो बल्लू छोड़ देंगे स्कूल। और सुनो, हमने उनको जुबान दिया है तो जाना पड़ेगा, तुम क्या, तुम्हारा बाप भी जाएगा। बाबूजी, हम कैसे जा सकेला, हमरा खेत में खाद छिटवावे के ना बा। अच्छा, इनके पास टाइम नहीं है और तुमको खाद छिटवाना है, तो मैं नंदू को भेज दूंगा। हाँ ये ठीक रही, इन्हें ही भेज दो। हे नंदू जी। बाबा हाँ, बोला। राम नारायण जी है ना, तुम उनके घर चले जाओ। हेलो राजा। अरे बताओ ना, फोन कहाँ गई लुआ? आज हम बहुत खुश बानी, भैया खाते के लेके देखे जाता रीजा। अच्छा, कहाँ? अरे बरियारपुर में। बरियारपुर? बरियारपुर में किकरे यहाँ? राम नारायण जी के घर है। का बात करता रू? अरे वो तो हमारे दादाजी के दोस्त हमें। का बात करता तब फिर राजा? चला ठीक बा, आवा हम वहाँ तो हर दिल बिछा के इंतजार करता नहीं। बाबा जी, हम जाए खातिर तैयार बानी। अरे तैसे जाओगे? पैसा तो ले लो। हाँ ये लो। बाबा 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 एक मिनट दो, पैसा दो बाबा। हाँ वो हमके वो विचार ही आयला। हाँ हाँ, राम नारायण जी तुहार दोस्त हुआ। हाँ तब भूमि हमरो तो दोस्त थे। अरे वाह, अब हमारे दोस्त के लड़का वाले देखे आवत हुआ तो हमके चाहिए की चाहिए। बहुत अच्छा, तो इनके रहे ना हम ही चल जाते। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। ठीक ठीक, खुश रहो खुश रहो। अरे सुनी ना जी, कबले मेहमान आई हन? काहे परेशान हो, 2 बजे तक तो आवे कहल ही रहना। 2 बजे टाइम लगल आवे में। भोजेंद्र को भेज कर खाने पीने का सामान मंगवा लो। रवा चिंता ना करी बाबूजी, और सब इंतजाम हो गई बा। अच्छा। ला आ गए राजा बाबू। नमस्ते दादाजी। खुश रहो। नमस्ते जिया जिया जिया। खुश रहो, बैठो बेटा बैठो। बैठा घर में सब लोग ठीक है ना? यार एकदम ठीक बने। कहाँ राजा, कहाँ बैठा तू? अभी आई नहीं है। और बेटा तुम अकेले आए, साथ में कोई नहीं आया? सब लोग ब्याह में आई, दादाजी अभी हमके भेज ले। अच्छा अच्छा, और प्रभु कैसा है? एकदम ठीक बने, और रात दिन आपे के किस्सा सुनावत रहे। अरे अरे पापा, ओहो कितना टाइम लगा हुआ तारा, वो लोग वहाँ इंतजार कर रहा था और तू लोग यहाँ देर पे देर कर तारा, जल्दी जाना। अरे धीरज धर्म, जा तो बानी जा तो जाना। अब पापा पापा पापा, अब कब भैया कुछ बाकी बाई कर। एक बात कान खोल के सुन ला, अगर दहेज की वजह से हमारा शादी टूटल तो समझ ला हमारा जिंदगी से नाता छूटल। अच्छा ये बतावा, अगर वो तहरा के छाट दे लगता हमारा के केहू छाट सकेला? बिल्कुल ना, एकदम अच्छा बड़ा तू तो। हमरा के केहू छाट नहीं कह सकत, तू सुना मुंह बंद करके जा और लड़की के पसंद करा। हाँ और पापा मम्मी। हाँ बेटा। साई टाइम सब कुछ फिक्स करके आइया। ठीक बा बेटा। और बिना फिक्स किए आइया मत बुढ़ो। अरे ठीक बा तू जाके दादी के ध्यान रखा, चला चलो। सुन ले है कि जीजा जी सलमान खान के बहुत बड़ा फैन हवे,
पक्का तक कसम खाई ले हवे कि जब ले सलमान खान ब्याह न करी है तब तक ऊहो न करी है। बड़ी भाग्यशाली बाड़ी भूमि जी शादी खातिर उ लड़का तैयार हो गई। भाग्यशाली भूमि ना भाग्यशाली उ लड़का हवे जी हमनी के भूमि जैसन लड़की मिलल उनका के। अरे हमनी की भूमि कोनो हीरोइन से कम बाड़ी का। हमी लड़का रहती तो इनका से शादी कर लेती। अरे तुम लड़का होके का जरूरत बा, अब ये कर ला। आजकल तो लड़की लड़की आपस में कर तारी सब। ठीक बा भूमि, ठीक बा भूमि, राजा से बात करा। हम भी जा जा चले चले कारे बनर, तोरा क्या टाइम मिलत बा आवे के? अरे बनरी उ तोरा के देखे आवत रहन सन, हमारा के ना। ठीक बा तो तोरो बियाह होई तब हम बताइब। का बताइबी? अरे तबले तो तू दो चार लड़का के मतारी हो जेबी। राजा, ए राजा, ला तू ऐसा मस्ती मजाक में लागल पड़ा, वैसा लड़किया वाले पहुंचे वाला बड़े। चला चलो चलो चलो। अच्छा सुन, सुन ली है कि लड़कवा अपना गांव के सलमान खान बा, तो तहूं तनी कटरीना कैफ बना के तैयारी कर, और हाँ तनी भोजन कम उठावल कर। भगवे की ना यहाँ से ला आगे ले। अरे लेकिन एकदम ठीक बेतारा पसंद आ जाएगी। आने में रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ना कोई दिक्कत ना। नमस्ते बाबूजी, बैठिए। हाँ प्रणाम। प्रणाम। कुछ खाए पी की व्यवस्था कर? अरे बेटा तनी चाय नाश्ता की व्यवस्था करा। जी मैं जी। हाँ बाबूजी, हम अपन होखे वाला भौजाई के देख के आवत हानी। ना जा भाई मिल के आओ, जा। ठीक बा। जा भाई जा। सब एक्सक्यूज मी, आपको पता है मेरी होने वाली भौजाई कहाँ है? हाँ, मिलवाइए देखी। हाँ भाई साहब, घर पे सब कुशल मंगल बा? सब कुशल मंगल, भगवान की कृपा बा सब। ये देखा, ये आई त्वार होखे वाली भौजाई। नमस्ते। बस बस ढेर फॉर्मल ओकला की जरूरत नहीं खे, हम तो त्वार होखे वाला छोट ननद बानी। वैसे बहुत खूबसूरत बाड़ू तू, हमरा के तो पसंद बाड़ू, मतलब हमर पूरा परिवार के भी पसंद है वो। अच्छा ये बतावा, तोहरा काका बनावे आवेला? अरे ये पूछा कि इनके काका ना बनावे आवेला? उल्लू गधा बेवकूफ। मजाक कर दानी, हमार भूमि सर्व गुण संपन्न बाड़ी। मेहमान लोग इंतजार करे तानी, चला बिटिया। जी तो के काका बनावे वाला तोहरा निखे मालूम? हटा। सुरेश बाबू, ये हमार बेटी भूमि है। प्रणाम। रउआ लोगन के हमार बिटिया से जौन पूछे के बा पूछ ली। हाँ सुरेश बाबू, हमनी के तो तुहार बेटा बहुत पसंद बा, अगर आपो हमारी बिटिया के पसंद कर ली तब बात आगे बढ़ावल जाए। सब कुछ क्लियर कर लो। हाँ कहो, तारा पसंद बड़ी कि ना? हाँ जी, हमके तो बहुत पसंद भी है। नीमन भी है। हम सब के लड़की बहुत ही पसंद भी है। भगवान का शुक्र है। अब बहू भूमि को अंदर लेकर जाओ। हाँ, चला बेटिया चला। पसंद आई? पसंद भी है। हाँ। नमस्ते नीरज भैया। नमस्ते आवा आवा। नमस्ते, का हाल बा? बस ठीक बा भैया, अपन सुनाई। अरे कोनो जुगाड़ उगाड़ बैठल के ही तरह कुमारे कब ले घूमबा? ए भैया, ब्याह खातिर कोनो नीमन लड़की चाहिए, उमिली तबे ना ब्याह होई। ला दूध पी ले। ए एगो लड़की तोरा लाइक ब्याह यार। अरे कहां भैया, जल्दी से सेटिंग करी। हां नैना के छोट बहन पायल। हां हमार ससुर जी भी परेशान बाड़न, उनका खातिर लड़का खोज रहल बाड़न। ए भैया, हमने तो कभी से परेशान रहनी नीक लड़की के तलाश में, अगर ऐसा हो जाए तो हमने के दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। ऐसा बा? हाँ। कि हमार ससुर जी हमार बात ना कटियन। हाँ। एके ब्याह के ठीक है समझा, तय समझा। अरे भैया बहुत खुशी भाई। पापा होमवर्क हो गई। ठीक बा बेटा, मन लगा के खूब पढ़ा। वाह बेटा, कौन क्लास में पढ़ा तारा?
चाचा अभी हम चौथी में पढ़े नी, अगले साल हम पांचवी में जाए। ये तो बहुत बढ़िया बात बा। लेकिन सुना बेटा, अब से हमरा तू चाचा ने मौसा कहल करी है, कहे कि तुहार मौसी से हमार ब्याह होके वाला बा। ठीक बा मौसा। मौसा कहला के जरूरत नहीं है, चाचा ही ठीक बाड़े। काहे भौजी, हम कुछ गलत कह देनी का? बात उ बा ना कि हम रउआ के साथे अपन बहन के ब्याह ना करवा सके नी। भौजी हमरा में कोनो दोष बा? ए भौजी, हम दहेज में एक रुपया ना मांगे। दहेज का कोनो बात नहीं के, हम अपन बहन के ब्याह अपने देवर के साथे करावे के सोचले बानी, और ये बात हम अपने माई बाबू से भी कहले बानी। ठीक बा भौजी, हम चला तानी। हाँ, हाँ। नमस्ते भैया। अरे रुकी ना, हम पानी लेके आवत बानी। ना भौजी, हमार पेट भर गेल बा, चला तानी। ठीक बा मौसा, बाय। अरे बाय बाय बेटा। ठीक बा चाचा, बाय। पढ़ाइल बाड़िन भी आ कर आवे। तू जिद मत कैल करा, तू तनिको चिंता ना करा। अरे कैसे चिंता ना करूं? प्रणाम दादाजी। कहां जा रहे हो? देखिए ना दादाजी, राजा आजे आइले और आजे जाए के कहा तड़े। हां क्यों? अरे दादाजी अब यहां तो सब होइए गेल ना, फिर भी आगे दिन आई भम। तुम अभी कहीं नहीं जा सकते, इस घर में तमाम काम पड़ा हुआ है और जाने की बात कर रहे हो। हां सब कुछ ठीक रहा ना तो कल ही भूमि का छेका हो जाएगा, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारे दादा से मैं बात कर लूंगा। राजा बेटा अब तुहरा के रुका ही को पड़ी। ठीक बा दादाजी, अब भूमि के घर से विदा उखला के बादे हम जाए। प्रणाम। पंडित जी के भी गोड़ लगा। प्रणाम। जीते रहो। प्रणाम। आपको भी प्रणाम। आवे में कोनो दिक्कत उक्कत ना हुई लख? अरे नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, अब तो सारे रास्ते ठीक हो गए हैं। हाँ बाबूजी, चकचका गिल बा, अब कोहे के बड़ुए। वैसे सच कहूं तो यहाँ की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सब चीजें अब ठीक हो गई। हाँ हाँ। इजे रखा। हाँ जी भाई जी, एगो बात बताई जी, लड़का कोनो नशा वसा तो ना करेला ना? अरे ना ना भैया, हमार लड़का कोनो नशा ना करेला। वाह समधी जी, ईश्वर की कृपा ऐसे ही बनी रहे तो सारा काम ठीक होगा। दादी वो लड़का के बा? अरे अपन बहुरिया के रिश्तेदार बा। लड़का तो बहुते सुंदर बा, आपन शिक्षा के ब्याह के बाद चलाई का? ठीक बात कहलू बहु, सुरेंदर के ब्याह हो जाए द ओकर बाद बात करब। हमरा में सारा फले पर तू सफात भूल जाएगा, हमरा में सारा फले पर तू पाएगा, दुनिया भर के सफात भूल जाएगा, लवंग इलायची गोल मर्च काला काला, हे प्यार हा हमार राजा गरम मसाला मसाला गरम मसाला, प्यार हा हमार राजा गरम मसाला मसाला गरम मसाला। सारा टेंशन उतार दो, जितना मोहब्बत बा हमारे पढ़ार दो, हमारे पढ़ार दो, हमारे पढ़ार दो। इस कला रहस्य आज राजा जी, गोइल बा महान एक्सपर रहस्य आज राजा जी, फेंक तो चाभी पानी में बंद का के ताला, हे प्यार हा हमारे राजा गरम मसाला मसाला गरम मसाला, प्यार हा हमारे राजा गरम मसाला।
रोमांटिक ए रानी, सबर के बांध तुरे चाहत के पानी, चाहत के पानी, चाहत के पानी। ए रोकले बा राजा मचावा उत्पात हो, और अब सपोर्ट पूरा बनी तोरे साथ हो, अखिया से पीलो ना प्रेम वाला प्याला, प्याला। हे प्यार हा हमार राजा गरम मसाला, मसाला गरम मसाला, प्यार हा हमार राजा। कहा रहला? कालून के देख के आ गईला? नहीं, अभी ओइजे बानी। काहे इतना ज्यादा पकावेला? बतावा ना ओइजा का भइल। अच्छा, वहां एगो लड़की भइल है और एगो लड़का भइल। आ जब तू वहां जइहे ना तो ओकनी के नाम रख दिए। इतना फालतू सवाल काहे पूछे तारी? अरे सब फाइनल हो गईला। और लड़का कैसन बा? सब प्रभु की लीला बा। लंगूर के हाथ में अंगूर। मतलब? मतलब ये हम सोचा था नहीं कि तोरा जैसन खरखटही लड़की के ऐसन हीरो जैसन लड़का कैसे मिल गई, ये समझ में नहीं क्या आवत। कुत्ता कहीं का। अच्छा तो लेन देन के बारे में कुछ कहना हो तो साफ साफ बोलिए। पापा एक बात का ध्यान रखिया, बोलो के सामने कौनो भी दान दहेज की बात ना करिया। अरे का बात करता, कहीं बिना दान दहेज के ब्याह होला? पता बा आज के युग में दान दहेज लेल बहुत बड़ा जुर्म बा, और दहेज के वजह से अगर हमार ब्याह टूटल तो हम आत्महत्या कर ले और ओकर जिम्मेदार तू रहबा। वैसे तो हमरा कोनो लालच वालच नहीं खे, बाकी बिना कुछ लेन देन के ब्याह ब्याह ना लगेला। वैसे तो हम कुछ ना कहब, रउआ सब तो अपने समझदार बनी। भाई साहब हमरे पास है क्या गो बिटिया ब्याह, हम अपनी तरफ से कौनो कसर ना छोड़ब। तो ठीक है, पंडित जी भी यही है तो पंडित जी पत्रिका देखकर कोई अच्छा सा मुहूर्त बताइए। तोहर 13 के मटकोर और 16 के सुविवाह के दिन बा, तो बढ़िया दिन बा। तो ठीक, बहुत बढ़िया दिन बा। राजा इन लोगों का मुंह मीठा कराओ। हाँ ले ले पंडित जी, आप शुरू करी पहले। ए जी बिना दहेज के ब्याह होखे लगा है? बड़का दानी कहा के आ गई नहीं है? अच्छा एकरा मतलब हमरा बाबूजी के भी रउआ लोग ठगनी? कम से कम हमरा साथे तो आप लोग के दिल बड़ा होए के चाही। ओ बेरा आप लोग के दिल कहाँ रहे? अरे रउआ अपन बिटिया के ब्याह करे जाब ता दहेज ना देब, ता आपन लड़का के ब्याह हुई ता दहेज ना लिया ही, हैं? लोग का सोची जरूर लड़कवा में कोनो खोट बा। अरे तहर लड़कवा में कोनो खोट उठ नहीं खे, तहर लड़कवे पूरा खोटा बा। अरे बुझाई खतरो इनकरा फिर कुछ ना कुछ तो लेन देन करबे करिए ना, ऐसे ही सुखले हाथ ना विदाई करिए अपन बेटी के। हम कुछ नहीं की जानत, उ लोग तिलक चढ़ावे आई ना त एगो मोटरसाइकिल रहो मांग ले। हां मां जी बुलेट मांगी। हां बुलेट चाहिए, बुलेट। ठीक बा माई लोगिन मांग ले हम। सब कुछ ठीक बा ना? बड़े दिनों बाद दर्शन हुए तुम्हारे। अरे खुश रह, खुश रह। अरे खुश रह, खुश रह। वो कैसे मारी? चली चली अंदर चली। चलिए सब आजा। बैठा लोगन। आई बैठी लोग। भैया यहाँ बैठा। बैठी बैठा लोग। आई आई आओ प्रभु आओ, आज मैं बहुत खुश हूँ। हे राजा यहाँ आओ। हाँ बाबा आगे नहीं। तुम औरतों के बीच में क्या कर रहे हो? अब ढोलक बजावे कह लिया लोग तब। तुम औरतों के बीच में ढोलक बजा रहे हो? काम धाम पर ध्यान नहीं है, जाओ काम करो। अरे जाओ। क्यों इसे डांट रहे हो भाई, सारा काम इसी ने संभाल रखा है, ये नहीं होता तो कोई काम नहीं होता। हाँ पूरी जिम्मेदारी ली है इसने। दादाजी उछेना के पानी लिया क्या, हम लेके आवत है। देखा तुमने, अभी भी उसे काम ही दिखाई दे रहा है।
हाँ, बाहर बैठकर बात करते हैं। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं यार, हमने अपने बेटे शंकर और पोते भुजेंद्र को बहुत समझाया कि भाई दोनों में से कोई भी आदमी सेना में जाओ, देश की सेवा करो, लेकिन यार मेरी सुनता कौन है? यही बात हमारे घर के भी है। हमने अपने बच्चों को समझाया कि तुम में से कोई मिलिट्री ज्वाइन कर लो, राजा को भी समझाया, राजा को भी मिलिट्री में चले जाओ, देश की सेवा करो, लेकिन राम नारायण भाई आज के जमाना में कोई फौज में जाना नहीं चाहता। एक और जमाना था जब हर घर से फौजी पैदा होता था और आज कोई किसी की नहीं सुनता। हाँ यार, वो भी क्या वक्त था, याद है तुमको जब हम लोग एक बार बॉर्डर पे लड़ रहे थे, तभी अचानक बंदूक की सारी गोलियां खत्म हो गईं, फिर भी हम बिना गोली के लड़ते रहे। याद है। इतना जिगर था हम लोगों में। अच्छा सुनो, अब मुझे इजाजत दो, मैं घर जाऊंगा। अरे कहाँ? अरे भाई शादी वाले दिन तो फिर आना ही है ना। अरे तुम फिक्र मत करो यार, मैं राजा को यहीं छोड़ रहा हूँ, राजा यहाँ रहेगा, आपका सब काम निपटाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब काम कर देगा। हाँ क्या कहा? राजा? अरे राजा को तो मैं जाने ही नहीं दूंगा। ठीक है चले जाना, लेकिन पहले खाना तो खा लो, खाना तैयार है बिल्कुल। हाँ ठीक है चलो चलो। हाईला जाओ वहां, ठीक बा, पूरा काम करवा दो। ठीक बा मालिक। अरे, अरे समधी जी। प्रणाम समधी जी। प्रणाम। और किसन बनी रहो? बढ़िया। और आप बताएं? बहुत बढ़िया। आई अंदर। हाँ। आई। अरे बाबूजी नहीं खिलोकत? बाबूजी गल बने बाहर कुछ काम। अच्छा, से। अच्छा अच्छा। आई बैठी। बैठ। हाय भूमि बिटिया खाती साड़ी ले ली बनी। अच्छा अच्छा। भुजेंदर। भुजेंदर। जी बाबूजी। नमस्ते। खुश रहो। कुछ साड़ी बांधर धोईदा और चाय पानी की व्यवस्था करो। जी बैठे बैठे। और बताइए। का सब का? अरे कुछ कहल चाहता नहीं का कहीं? हाँ हाँ। अरे हाँ फोन बाजता। और बतावा। अरे कहाँ बारा जी फोन नहीं उठावत हो? अरे बात करता नहीं। बात करता ठीक बा, बिना मोटरसाइकिल के बाद पहले घरे मत आयम। अरे चुप रहो, तब ना बात कर। रखा। और सब ठीक है ना? हाँ बढ़िया ला पानी पिया। ला जी जी पिया था नहीं। समधी जी वैसे तो रुआ कल ही बनी कि अपना तरफ से कोनो कमी ना रखब, बाकी हम कुछ कहे के चाहता नहीं। कहीं बेझिझक कहीं? का है ना कि लड़का के एगो इच्छा बा, अब मोटरसाइकिल के का नाम हो करो? बुलेट। हाँ बुलेट बुलेट। बाबूजी, जब पाहुन के ये इच्छा बा तो वो पूरा कहल जाए। समधे जी हमरे पास एक के गो लड़की भी आ, जैसे सब करते वैसे यो इच्छा पूरा करब आपके। अरे भाई हमरा चलावे तो ना आवेला, हमार बेटा और बेटी वही पर बैठ के घूमियन फिरियन सा। तन जा चाहो तैयार होके तो ली आवा। जी जा। कितना सुंदर लहंगा बा। हेलो। मिलने का वादा तो करो, इंतजार भी कर लेंगे हम। मिलने का वादा तो करो, इंतजार भी कर लेंगे हम। नहीं आना है तो बता देना, लेकिन वादा करके मुकर मत जाना। के बोला था? है हम भी यही
तुम भी यही हो तो हमारे बीच ये दूरी कैसी? जान, इस मजनू की लैला तो बनो। बाकी दुनिया की ऐसी की तैसी। इका बदतमीजी हा? हाँ, के बोला था? फोनवा में घुस के दूध जूता मारब। रखा फोन। अरे नहीं नहीं नहीं। फोन मत कटिया। अरे हम बोला था नहीं। तोहार होखे वाला हस्बैंड। तोहार लव सुरेंद्र। अच्छा आप बोला था नहीं। आपके हमार नंबर कहाँ से मिलल? खोजले से तो भगवान मिल जाले। तोहार नंबर कौन सा बड़ा चीज बा? अच्छा सुना, ये हमार नंबर बा, एकरा के सेव कैला। जी ठीक बा। अच्छा हम तोहार नंबर ना माय लव के नाम से सेव कैली बानी। और तू हमार नंबर केकरे नाम से सेव करबू? जान बतावा ना जान। टॉमी, हम आपके नंबर टॉमी नाम से सेव करब। टॉमी? अरे टॉमी तो कुकुर के नाम होला। हाँ उहे ना, देखी कुकुर कितना वफादार होला, कितना प्यारा होला और हमके बहुत पसंद भी बा, यही से टॉमी। तोहके पसंद बा ना तो कोनो बात नहीं, वैसे शादी के बाद तो लोग कुकुर बने जाला। ठीक बा कुकुर जी, सॉरी सुरेंद्र जी, हमके कुछ काम याद आ गेल बा तो हम बाद में बात करत हनी। ठीक बा। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट। बस ये लाइन सुन लिया ओकरे बाद फोन रख दिया। जी जी सुनाई। रातें तो बहुत गुजारी, अब इंतजार है सुहाग रात का। ए इंतजार भी खत्म हो जाएगा, देर है एक मुलाकात का। अरे फोन काट दे ली, ये हमार होके वाली मेरारू लगता शर्मा गई। राजा राजा पकड़ा। हम रखे दीदी का कुछ पूछे के बा? देखा भूमि, कौनो जरूरी बात होगा तो हमसे कहा, मस्ती के टाइम लेके बहुत काम करे के बांध के। अरे जरूरी है बात बा। का हमरा के सुरेंद्र के फोन आयल रहे। ओए होए कोई तो रोक लो। अरे मतलब तुहार पति अभी से बेचैन होता रहे तो अच्छी बात बा ना। मजाक मत कर राजा, पहले ही बतावा कि हमार नंबर उनकरा के तू देले पड़ा। अरे हम क्यों के काहे तुहार नंबर दें, वैसे तुहार नंबर हमारा ही लगे नहीं। अच्छा ये सब छोड़ा, एगो और बात पूछे के रहे। का वो लड़का ठीक तो बाना? पता ना आज फोन पर बतियावत समय हमरा के बहुत अजीब लागत रहे। ऐसन का बतिया दे ले? फिर मजाक करा था रहा। हम सीरियस बानी। अच्छा ठीक बा, ये बताओ हमसे का जाने की चाहता रू? हम बस इतने जानल चाहता नहीं कि वो लड़का के चरित्र व्यवहार सब कैसन बा। अच्छा तो ये शादी तय होखला के बाद तो के जाने के बा। अच्छा ठीक बा, चिंता मत करा, बहुत अच्छा लड़का बा, परिवार भी बहुत अच्छा बा। अच्छा उनकरा के शायरी के भी शौक बा का? शायरी ना था? पर फोन पर एक के बाद एक घटिया शायरी सुनावत रहले। अरे तो जाने लू ना, प्यार में लोग शायर बन जाला। भैया पर ये झोलवा कहाँ रख दी? ला जा तो। का बारे में जवान रुआ कले रही नू, देखी सब यही में बा। अच्छा जो देख ली, ट्रैक्टर लेके जो बाकी के सामान लदवा के ले जा। जो अरे वाह भाभी, मेहंदी तो बहुत अच्छा लगा बता रू। आवा भूमि बहनी, तुहू के मेहंदी लगा दी ही। अभी तो हाथ धो के आरल बानी, जगह कहाँ बा मेहंदी लगावे के। अरे वाह मेहंदी के रंग तो बड़ा खुल के आयल बा, एकदम चटकार। एगो बात जाने लू, जब मेहंदी के रंग चटकार आवेला ना तो कर मतलब होखेला कि तार होखे वाला पति तोहके बहुत प्यार करी। अरे भाभी सब फिल्मी बात बा, ऐसन थोड़े ना होला। ऐसने होखेला तोहके का पता। तो तनी हमरो के लगा दा लोग था। ओहो ख्याली पुलाव, एक बात याद रखिए, बानर के हमेशा बनरिये मिले ले। हाँ भाई अब इनके बड़का शायर मिल गए बाने। अरे तब तई बोलबे न करिया। अरे प्यार से दिल वाला मेहंदी बनावा।
मेहंदी का? ओकरे अंदर हमार जान तोहार भाभी भूमि के नाम लिखा। अरे भैया उहे तो करत आ दाएं हाथ में ताहर नाम और बाएं हाथ में भाभी के नाम। बहुत बढ़िया। ए राजा बेटा का आवा चाय पीला। अरे ये सब का करता रू, दे दे कुल करिए। अला चाय पिया दा। राजा का कुछ पूछे के बा? कितना पूछेगा बा, तो गए चाय पीला लोग हमावत है। ठीक बा। अब का भइल? हमरा के ना बहुत ज्यादा घबराहट हो रहल बा। काहे? पता ना, और हमार दिल भी बहुत जोर जोर से धड़का था। अरे कुछ भाई लगा? कुछ भाई लगा मतलब हमार शादी होके जा रहल बा राजा, ये कोनो छोट बात है का? अरे तो वो तो सबकर होला, समाज के ये नियम है। अरे शादी तो सबकर होला पर ओकरा बाद का होला? ओकरा बाद सुहाग रात होला। हाँ सुहाग रात में का होला? अरे हम हो कुंवारे बानी, हमके कैसे पता होई? पर ते लइका बाड़े ना, कुछ तो पता होई तोरा के। हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा पता बा। ते लजात का बाड़े, बता ना। अरे कुछ ना रे, एकदम सिंपल बा। ग्लास के दूध लेके अपना पति के कमरा में जाइए, ठीक बा? आधा ग्लास उनका के पिया दिए और जोन बची तू पी लिए ग्लास में से उनका झूठा। छी। अरे तो का हो जाई, तोरा पति के ही झूठा रही ना। पर हम के होके झूठ ना पिए, नहीं हम के उल्टी होला। अच्छा ठीक बा, एक काम करिए, पहले आधा गिलास तू पी ली और जोन बची तो उनका के पिया दी। हाँ ये ठीक रही। ठीक है ओकरा बाद? अरे ओकरा बाद दिया बुता दिए और अपने पिया के साथ गाना गई है। कौन गाना? वे गाना रत दिया बुता के पिया क्यों क्यों किया पागल कहेंगे। राजा रत दिया बुता के पिया हाँ जान बोला। और जान का होता? अरे माड़ो बनावता नहीं। अरे वाह ऐसे ही डट के काम कहीं करा? डट के तो ऐसा बनेले बानी ना कि अगर तू अभी आ जीबू और माड़ो देख लेबू तो इनाम में चुम्मा दे देबू। फिलहाल वो तो अभी पॉसिबल नहीं खे। अच्छा सुना, हम वीडियो कॉल करता नहीं, तू उठावा और हाँ वीडियो कॉल पे ही चूम के काम चलैया तब तक। चला ठीक बा। कबले चूमे पड़ी दूरे दूरे रह के मोबाइल के स्क्रीन सजनी हो कबले चूमे पड़ी दूरे दूरे रह के मोबाइल के स्क्रीन सजनी उतने बेहाल बा भाई जवानी झुके काल बा अब नहीं तनी को साथ आटे दूरी पास नहीं खुई है मलाल बा ए हो हमरो तो मनवा भी उतने बेहाल बा भाई जवानी झुके काल बा अब नहीं तनी को साथ आटे दूरी पास नहीं खुई है मलाल बा कटे अंगूरी पदीन गिन गिन सजनी गिन
सजनी कबले चुमे पड़ी दूरे दूरे रह के मोबाइल के स्क्रीन सजनी हो कबले चुमे पड़ी दूरे दूरे रह के मोबाइल के स्क्रीन सजनी रतिया पहाड़ भोइल धनुबा हाय प्यार खाती मारत उफान पड़ी मन बा बढ़त बेचैनी छने छनबा दिनवा त कट जाला एने ओने कसहू रतिया पहाड़ भोइल धनुबा साच होई कब सपना हसीन सजनी कबले चूमे पड़ी दूरे दूरे रह के मोबाइल के स्क्रीन सजनी ओ कबले चूमे पड़ी दूरे दूरे रह के मोबाइल के स्क्रीन सजनी अरे अरे जब काम हो जाए तो बुला लिया आइला जौन घाटे बड़ा तौन जाके बाजार से ले आवा व्यवस्था में कोनो कमी ना होके के चाही समझ गईला सुनी बाबू कम पड़े तो बता देना भुजेंद्र भी आ गईले ले बाबूजी आ गईल उनके बुला के दे दा एमे डिक्की कहां लगवैला हा ई तो 15 देसी में लग जाई तब तक के रखने कोनो चीज से ढक के सुरक्षित रखवा दो ठीक बा ये कहां से आई कहां से आई कहां से आ गईल अरे बाबा खरीद के आइल बा और कहां से आइल खरीद के हां ज्यादा पैसा वाला हो गए हो हां अरे इतना खर्चा कर रहा हूं और करते चला जा रहा हूं क्या जरूरत रहे इसे लाने की बाऊजी ये लड़का वालन के डिमांड रहल यही खातिर आयल हा छोड़ी ना अरे डिमांड कैसा डिमांड हमारे सामने तो कोई बात नहीं हुई थी ऐसी अरे बाबा जब वो तिलक लेके आयल रहले तबे डिमांड कहले रहले और तुम लोग मान गए हां कल वो मांगेंगे परसों वो मांगेंगे नरसों ये मांगेंगे यानी जो जो वो कहते जाएंगे वो हम मानते जाएंगे हां विवाह नहीं व्यापार बन गया है बाऊजी अब समय कहां है काला तो बारात आई हम कुछ नहीं जानते हैं भूमि का विवाह उस लालची घर में कदापि नहीं होगा ये का कहता रे बाबूजी बहू हम जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और सोच समझ के कह रहे हैं बाऊजी अब सब तैयारी हो चुकल है अकाले बारात आवे ख अब एगो छोटी से बात लेके इतना भवंडर बनावे की का मतलब है हां अब सोची कल बारात ना आई उनकर तो इज्जत जइबा करी का हमरी की इज्जत बची अब भूमि से के शादी करी कौन कहता है शादी नहीं होगी कौन कहता है भूमि का विवाह होगा और जरूर होगा और तय तारीख पर होगा आखिर वो मेरी पोती है भुजेंद्र गाड़ी निकालो चलो हाँ। का बात बा आज तो बहुत बहादुर हो गेल बाड़ केहू से नहीं खुले रात केहू देख ली तब का वैसे भी हम तो तोहर होखे वाला मेरा रुबानी और आज हम बहुत खुश बानी अच्छा ऐसन मन करता कि स्कूल की छुट्टी लेके पूरा दिन तहरा साथे बिताई अच्छा ऐसन कौन खुशी के बाद बा माई बाबूजी मान गईल बड़े हमनी के बिया खातिर के का हाँ सच्ची मुच्छी और अब वो दिन दूर नहीं खे जब हम तोहर मेहरारू बन के तोहरा घरे आए तब तो चला आज तोहरा के कहीं घुमा के लिया वतनी अभी ना स्कूल के छुट्टी उकला के बाद अरे अभी तक कहत रहलू है कि तोहरा के कहीं घूमे चले के बा छुट्टी लेके अब का भाई हाँ लेकिन स्कूल के छुट्टी हो जाए ओकरा बाद साजी खाने तू हमके कहीं भी लेके चला घूमे खातिर ठीक बा जैसन तोहार मर्जी ठीक बा अच्छा हम जातन बाय बाय
राम नारायण, ये बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? हमें तुम्हारा पोता राजा चाहिए दोस्त। हम अपनी पोती भूमि की शादी राजा से करना चाहता हूं। राम नारायण। हाँ भाई। तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत, तुम्हारी पोती की शादी राजा से ही होगी। अरे तुम लोग हमारा मुंह क्या देख रहे हो? हाँ, जितनी जल्दी हो सके सारे रिश्तेदारों को फोन करो, जो आ गए शादी में उनको मुबारक और जो नहीं आ पाए उनको भी मुबारक। लेकिन अब ये शादी उसी समय होगी, राजा की शादी भूमि से ही होगी। बाबूजी, ये शादी ना हो सकेला। काहे ना होई? तुमको क्या तकलीफ है? हाँ बताओ, तुमको क्या तकलीफ है? शादी ब्याह के मामला बा, इतना जल्दी बाजी मेरे हुआ के फैसला लेवे के का जरूरत बा? बेटा, अगर सही फैसला होता है ना तो ये नहीं देखते कि समय कितना लगा, समय क्या है। एक बात समझ लो कि अब राजा की शादी इनकी पोती से ही होगी, फाइनल है, समझे सब? आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जो आपने मेरा मान रखा। उठिए उठिए, खड़े होइए, हाथ मत जोड़िए, आइए गले मिलिए, आइए, शादी खूब धूमधाम से हो। हम तो सोच ले रहनी कि हमारा बहन का बिया राजा से हुई, लेकिन ये लोग तो दूसरा से तक कह दिले। अरे भाई, आपकी इज्जत हमारी इज्जत, जाइए आप, जाइए तैयारी रखने के लिए। अरे आप जाइए, आप जाइए, आप जाइए और बिटिया के शादी की तैयारी कीजिए। मैं बारात लेके आ रहा हूँ ना, उसी समय शादी होगी। जाइए जाइए, आप जाइए। चलो बेटा। हाँ, खुश रहो बेटा, खुश रहो। बाबूजी, इतना जल्दी बाजी में फैसला लेवे के का जरूरत बा? आखिर कौनो हमरो हक बा, हम ओकर बाप बानी बाप। अरे तो हम तो हार बाप हैं, समझे, फैसला हो गया तो हो गया। हाँ तो जाए रहुए लोग ब्याह शादी करम, हम तो ना जाए ब्याह में, जाए रहुए लोग। हाँ जाओ जाओ। तुम क्या समझ रहे हो कि मुर्गा बांग नहीं देगा तो सुबह नहीं होगी? ए, सो जाओ जाओ। नीरज बेटा, अरे राजा अपनी ससुराल में, जाके उसको लेके आओ, दूल्हा बना के लेके जाएंगे कल, ठीक है? जा। ठीक बा बाबा जी, जाता। हाँ अब... बेटा। हाँ माई। खड़ा का पड़ा? अरे जा जल्दी। अरे जाओ भाई, जा जा जा। नंदू जल्दी जल्दी तैयारी शुरू करा। हाँ, बहुत ज्यादा काम करेगा, जा भागा जी। बाबूजी। हाँ बेटा। बड़ा बढ़िया फैसला कहनी रहुआ। दादाजी का ना दिमाग खराब हो गेल बा। दादाजी घर के बड़ बुजुर्ग हवन, जो सोचले हुई है अच्छा ही सोचले हुई है। राजा के बिया ना हम अपना बहन के साथ सोचले रहनी, और हमार सपना सपने ही रह गए। तो क्या अपन बहन के चिंता धैले बा? हमार भाई राजा के काले शादी बा, ओकरा पता भी नहीं खे। दा कुर्ता। माई पानी। चुपचाप सुत, पानी पी है, सुत। हे भगवान, हमरा के लागता हमार सपना सपना ही रह जाएगा। राजा। हे राजा। अरे एक आदमी के सोते की जगह नहीं की, कहाँ सुतबा, महाराज जाके सोता होने कहीं। अरे तो के सुतल दिखाई देता राजा। हे राजा, राजा। भैया, इतना रात के यहाँ क्या करता रहा? चल 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 चल। कहाँ? चल पहले चाबी कहाँ लाओ दे, चल पहले घर चल, सब बताओ था नहीं। का हो गए, का भेल भैया? आवा चल बाकी कुल ही जा पूछ लेबा, आवा। अरे तो का भेल बताइबा कुछ। अरे भैया सब घरे ठीक है ना, बोलत का ना हुआ। चलो रे, इतना रात के उठा के लेके चल जाला, कुछ बतावा था ये नवारे, हमके बताइबा भाईल का। अरे चुप रहा, पहले घरे पहुंच जा फिर बतावा था नहीं। चलो हा?
अरे का हो गई? अरे बाबूजी पागल आ गए बका। अरे हट। अरे चमत्कार। अरे बाबूजी जिंदा हुए। अरे माई भैया बाबूजी जिया तुम बाबूजी। अरे हम नहीं खी मरल, मर तो तू जइबे। कहे आही जो आंख में आंसू बाना, बचा के रख, जिंदगी भर रोवे के काम आई। कहे अरे हमार कोनो भैलू भाई घर में, तहार गार्जियन ता दादा बड़न दादा जो दादा भीर। का भइल दादाजी? तुम्हारी शादी है। कब? कल। कल कहाँ? अरे वो हमारे दोस्त राम नारायण जी है ना, अरे तुमको पता नहीं चला, तुम तो वहीं थे। उनकी पोती का रिश्ता टूट गया और अगर कल के कल उनकी पोती की शादी नहीं हुई तो राम नारायण जी आत्महत्या कर लेंगे, अपनी जान दे देंगे। अरे वो अपन जान दे दिया, एकर मतलब का हूँ? हमार भी एकर हो तू? राजा बेटा मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, इसीलिए मैंने उनको जुबान दे दिया है। अब अगर तुम ना बोल दोगे ना तो अकेले नहीं मरेंगे, साथ ही साथ मैं भी अपनी जान दे दूंगा। दादाजी एक कैसन बात करता नहीं आप? ठीक है बेटा ठीक, हमको पूरा भरोसा था तुम पर, इसीलिए मैंने उनको जुबान दे दिया। ए बहू जी बाबूजी, ले जाओ इनको तैयार करो, ले जाओ और सारी रस्में पूरी करो, ले जाओ तुम लोग। जी बाबूजी जाओ बेटा। चले बेटा देवर जी, चले जल्दी चल। माई लेकिन चल, इससे कौन भी आवला का मतलब का होता है? ले 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 तू चकवा, मोटर गाड़ी जाई तो के। हाँ तोहरा दहेज के लालच के चक्कर में टूट गई हमार शादी, जिंदगी भर कुंवारा रहा और अब कुंवारा ही मरब। भैया ले लो बुलेट, मिल गई बुलेट। बुलेट चाहिए बुलेट। बाबा ये लोग के कुछ है? इलो दे दो, इन लोगों को दे दो। जी काहे मुंह लटकावले बाड़ू? ये सब अचानक का हो गए? दादाजी हमार शादी उलैका से तोड़ के राजा के साथ तय कर देले। ये तो और अच्छा बात बा कि राजा के तू पहले से जाने लू, ऊपर से वो तुहार दोस्त हवे। हाँ एगो अनजान से शादी भइला से अच्छा बा कि जानल पहचानल से होके। पर हम राजा के बारे में कबो ऐसन सोचनी ना। हाँ तो अब सोच के देखा। राजा तुहार जितना देखभाल और केयर करी ले शायद ही कोनो लड़का करिए सन, शादी के बाद तोहरा से और भी ज्यादा प्यार करी है वो। जनी काट छपवावो, हरदी उरदी छोड़ा जनी पच मंगरा गीत गवावो। डीजे डेकोरेशन नाही चाहे बैंड बाजा, डोली लेके आजा राजा, डोली लेके आजा।
हम कबो ना काला पहना भरेला उड़ान मन पूरा होई जान सारा सपहना अजना बजना गनना मनना छोड़ा रीति रिवाज हो ई खुशहाली कबो न आई जवन मिलत बाज हो सपना हिलोर मन में मारता जता जा डोली लेके आजा राजा डोली लेके आजा हमरा ये बुझब बन के तुरानी चाकी अंगहना देहब मुँह देखाई में हम तोहरा के धान जोड़ा कंगहना चूड़ी कंगना सुरमा अजना ना चाही उपहार हो हमरा तो बस चाही राजा खाली तोहर प्यार हो स्वागत करेला जो है नैहर के दरवाजा डोली लेके आजा राजा डोली लेके आजा डोली लेके आजा जल्दी डोली लेके आजा डोली लेके आजा राजा डोली लेके आजा डोली लेके आजा जल्दी डोली लेके आजा चलो हाँ चलो हाँ चलो बेटा प्रणाम प्रणाम हाँ बेटा खुश रहा खुश रहा हाँ खुश रहा खुश रहा अरे दुल्हा को पहनाओ हाँ खुश रहा खुश रहा महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि यजमान अक्षत लीजिए फूल लीजिए गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु फूल को चढ़ाइए भगवान पर यजमान कन्या को बुलाया जाए अबुजिंदर जी बाबूजी देखा देखा ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा स्वस्ति नास्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति ददातु ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि भक्तचूर्ण महात्मा ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा स्वस्ति नास्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्ने मे कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि कन्या को अक्षत फूल दीजिए और
गणेश जी पर चढ़वाइए। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जंबु फल चारु वक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारम नमामि। देख ली तब का? वैसे भी हम तो तोहर रुखे वाला मेदारू बानी और आज हम बहुत खुश बानी। अच्छा, ऐसन मन करता कि स्कूल के छुट्टी लेके पूरा दिन तहरा साथे बिताई। मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरी। ऐसन कौन खुशी के बाद बा? माई बाबूजी मान गइल बड़े हमनी के बियाह खाते थे। माँ जी बहू के उतारी ना। बैठो 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 बैठो। पहले तू पीला, ओकरे बाद हम पी ले। दूसरे के झूठ पीले से तो के उल्टी आवे ले ना। तोरा के याद रहे? कैसे ना याद रही राजा, वो दिन हम तोरा से सुहागरात के बारे में पूछ ले रानी हा। ऐसे हमरा के गलत मत समझिया, तो हमार दोस्त बाड़ा, यही से तो से पूछ लेनी हा। बाकी हम कौनो लड़का से ये सब बात ना कहनी हा। पता बा, पीला। कौनो बात ना, कौनो बात ना, बैठा। ठीक बा। पर भाभी कह ले रही हैं कि अपना पति के दूध जरूर पिया है। अरे भाभी के का पता चली कि हम दूध पियनी है कि ना पियनी है? बाहर जेबो सबके पता चल जाई, सब तोहर मजाक उड़ाई। चला आराम से सूत जा।
का भइल? ओ भाभी का ले रलिया कि अपना पति के पकड़ के सुतिया। हाँ ठीक बा, लेकिन ओकरा बात का करे के बा ई ना बताई लियो। सुना ना, तोहरा के पता बा का? अब हमके कैसे पता रही? हमके पता नहीं के कुछ। सुता ठीक बा, तो कल हम भाभी के फोन करके फोन पे पूछ ले। ठीक बा, पूछ लिया, अब इस चुपचाप सुता। बहुत सुंदर बाड़ी भाभी। कितना खुश नसीब बाड़े राजा की इतना सुंदर मेहरारू पौले बाड़े। अरे चाची, तू भौजी के बड़ाई करो तरु कि राजा भैया के शिकायत करो तरु। चला लोग भौजी के एजा बैठल इनकर देह दुखा गेल होई। अईहो दद्दा, भौजी के इतना चिंता करब तो अपन मेहरारू के कितना चिंता करब। चल हाँ, भौजी के सामान अंदर रख दे। माजी ई रख ली। ना बेटा, ई तोहरा के गिफ्ट में मिलल बा, ई तोहार है, ई तू अपने पास रखा। जा दादाजी आ गए नी, पैर छुला यहाँ के। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। बेटी, हालात ही कुछ ऐसा पैदा हो गई कि हम लोगों को अचानक में शादी करवानी पड़ी। इस शादी से तुम खुश हो ना? बेटा, मैंने राम नारायण जी को बोल दिया है कि आपकी पोती को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं हूं यहां, और एक बात तुमसे भी कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ हो, तुम्हें कोई भी उलझन हो, तो बेझिझक मुझसे कहना, यहां तुम्हारा दादा मैं हूं, मैं ही तुम्हारा दादा हूं, समझी? अब मैं चलता हूं। हाँ हाँ, खुश रहो बेटा, खुश रहो। अब चलो बेटा, तुम्हारे घर दिखा दी। बढ़िया इल बड़ी। अच्छा सुन, हाँ। तो टीचर पूछी है स्कूले का है ना आइले, तो का बताइबे? कह दें के हमार चाचा के बियाह रहे। अरे इतना देर समझौले के बाद तो कई समझ में आईला? अपने टीचर से गलती से भी मत बताइए कि हमार बियाह भइल बा। तब का बताएं? अरे कौनो बहाना मार दी है, तोरा लगे बहाना कमी बा, चल। मैं कमिन मैडम। कमिन, कहाँ रहला तू इतना दिन से? वो घरे बियार रहे नू। ए, जो जाके बैठ अपने जगह पे। हाँ बियार है ना, हमरा दादाजी के दोस्त के पोती के बियार है। बहुत दुख भइल, तोहरा भाई के शादी कट गइल। तोहरा के काहे दुख होई? तोहर दादा के पोती के तो बियाह हो गइल ना। बियाह तो हमर भैया के टूट गई। अरे हमार मतलब उना रहे, मतलब भगवान करे जौना लड़का से ओकर बियाह भइल बा उ लड़का मर जाए। अरे उ बेचारा के काहे मारे तरु? अरे ओकर कौन गलती बा? बस ई वकालत करे आइल बड़ा का। और वैसे भी जे स्कूल में लेट आवेला या छुट्टी करेला ना, तो ओकरा के पनिशमेंट मिलेला। ए बल्लू। जी मैडम जी। चल मुर्गा बन। जी मुर्गा का है? बड़े दड़ के ना आई जाओ। अरे कहीं और के गुस्सा कहीं और कहे निकाला तरु? तोहरा के भी मुर्गा बने के बा का? ना हमरा काहे मुर्गा बने के बा, गलती ही कहले बा ई बनी। ए ठीक से बन। Thank you.
अरे स्कूले से आगे लिखा आ गई बनी, लेकिन दोबारा स्कूले ना जाए। कहरे दिमाग खराब कर बतू, हमरा के स्कूल से लेवे काहे ना आइला हा? अच्छा, अरे यार वो अब का बैल ना हम वही वाला रहनी, लेकिन अच्छा ये खतर गुस्सा बढ़े। गुस्सा हमें बात ते बानी कि गलती तू करा तारा और सजा भुगता तनी हम। तारा के कुछ पता भी बा? मैडम वा हमरा के कतना देर मुर्गा बना के रख ले रहे। का बात करता रे? नहीं के पता तोहरा के, बताई दादाजी से, बताई दादाजी से। देख बाबू का है ना, कबो कबो गेहूं के साथ ना भून के भी पिसाए के पड़ेला। केकरा संगे का पिसाता हमरा नु ओकरा से कोनो मतलब नहीं खे, समझला तू? और हाँ, हम स्कूल में पढ़े जानी, मुर्गा बने ना। ठीक बा, समझा दी अपना मैडमवा के। अच्छा जाता नहीं छत पे सोते। अरे पर तू आराम से सोता। भूमि के फोन। हेलो। हाँ भाभी प्रणाम। इतना रात के फोन करा तारु, ई घड़ी तक के समय कैसे मिल गए हो? हमार मतलब है ई तो पति सेवा के टाइम है। पति सेवा तब न करब जब वो हमरा पास नहीं है। का है, का बात बा, कोनो दिक्कत? पता ना, वो हमरा से बातचीत बहुत बढ़िया से करे ले, लेकिन जैसे हम उनके लगे जाए के कोशिश करे नी, वो हमरा से उतने ही दूर भागे ले। ए भूमि, तहार पति देव उतना हुआन। वो मतलब? अरे वो है मिठाई के दुकान। ना भाभी, इका कहता रू? तब तो समस्या कुछ औरो हो सकेला। का? कहीं बाहरे चक्कर वक्कर तो ना न चलाओ थवन। जे आदमी अपना खुद का मेहरारू से इतना शर्माला, वो बाहरे का चक्कर चलाई। जब इतना विश्वास बा तो देर को ना बात के हा, तो हर समस्या के समाधान तो तोहरे लगे हा। वो कैसे? अरे अपना जवानी के जादू दिखा के तू उनका के अपना वश में कर सकेलू। अभी कैसे करबो ई तो तू ही सोचा। ठीक बा, तू नहाला हम बाद में नहाला। ना ना, तू नहाला। अरे कोनो बात नहीं है, तू नहाला हम बाद में नहाला। रुका, सुना ना, ऐसे भी घर में केहू नहीं है, साथे नहा लियल जाओ। ना, तू नहाला हम बाद में नहाले। राजा जी, हम तोहार पत्नी हैं। हाँ भूमि, लेकिन हमके थोड़ा समय चाहिए, प्लीज। ए राजा। हाँ माई। अरे बेटा रुक, कहाँ जाता रा? तनी बाजार जाता नहीं। अरे बेटा, घर में नया बहुरी आयल भी है, तू कहाँ घर छोड़ के जाता रा? अरे माई, अब नई बहुरिया घर में आयल भी है तो हम का करी, अब बाजार होने के घूम सकत का? अरे बेटा, अरे तू घर में रहवा तो ओकर मन लगी ना। बुझाइल तोहरा, तोहार रहल बहुत जरूरी बा। ओकर जरूरी तोहरा समझ में आवत आ, लेकिन हम कोनो जरूरी काम से जाता नहीं तो उन्हें खे समझ में आवत। अब जा, देखा तानी कैसे तू जाता रा। जा।
बल्लू का चाची चला हमरे साथ बैठा बैठा हाँ। हम तोरा खातिर कुछ लेके आयल बानी का चॉकलेट्स तोहरा के चॉकलेट्स बहुत पसंद बाना बहुत ज्यादा लो थैंक यू चाची यू वेलकम बल्लू हम सुन ले बानी तोरा के लूडो भी बहुत पसंद बा तैला लेकिन चाची केहू भी हमरा साथे ना खेलेला अरे तो हम खेलब ना अरे तब तो बहुत मजा आई अभी ये खेला ना चला ये कौन कलर चाहिए तोरा के पीला वाला चाची पहले हम खेलम ल सिक्स वाह सिक्स खेला खेला जल्दी खेला बल्लू मजा आ रहा है बना हाँ चाची अच्छा बल्लू एक बात पूछी पूछा चाची लेकिन पहले तू हमार कसम खा के बोला कि एकदम सच बोलबा झूठ ना बोलबा चाची हम झूठ ना बोलेनी और तहरा से तो बिल्कुल झूठ ना बोलम तोरा चाचा के शादी से पहले कोनो गर्लफ्रेंड रहेगा अरे ओकरे चक्कर में तो हमरा भोरे भोरे स्कूले जाए के पड़ेला तुहार गर्लफ्रेंड ना तोरा चाचा के अरे उनके बारे में बताओ ताने चाचा रोज हमरा के जबरदस्ती स्कूले ले जाले ताकि उस शिक्षा मैडम से मिल सके और हाँ हमारे शिक्षा मैडम भी चाचा के खूब पसंद करेली चाची खेला हाँ अच्छा बोलू अब तोरा के बारे में और भी कुछ पता बाका चाचा अभी भी बात शिक्षा मैडम से छुपा के रखले बड़े कि उनकर बियाह हो गई बा और हमरो के बतावे से मना कर ले बड़े बल्लू हाँ हम तोरा शिक्षा मैडम के देखल चाहता नहीं ठीक बा कल चाचा ना तू हमरा के लेके चलिए स्कूले और ओ जाई हमर शिक्षा मैडम के देख लिया अब खेला बोला हाँ खुश रहो बेटा खुश रहो स्कूल जा रहे हो हाँ, स्कूले जाता नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है लेकिन तुम अकेले जा रहे हो राजा कहाँ है चाची बाड़ी ना चाची हाँ। जी बाबा अगर रउआ इजाजत दे देती तो हम बल्लू के स्कूले छोड़ाई और यही बहाने एक बार गांव भी देख लेती अरे तो बहुत अच्छी बात है बेटा जाओ जाओ स्कूल छोड़ के आओ जाओ चाची स्कूल छोड़ देंगी जाओ रुक जा बेटा हाँ? का बाबूजी अभी नौकी बहुरिया के बाहर काहे भेजत नहीं अरे बहू भूमि हमारी बहू नहीं हमारी बेटी है बेटी और अगर हमारी बेटी बल्लू को स्कूल छोड़ के आए इसमें तकलीफ क्या है हाँ जाओ बेटा इसको स्कूल छोड़ के आओ और सुन अपनी चाची को परेशान मत करना है हाँ जाओ अब मन लगा के पढ़ना जाओ शिक्षा हमरा के तोहरा से कौनो बात नहीं करे के का भइल तोहरा कारण हमर पूरा दिन खराब हो गई कहाँ रहला तू चाची ई रहल हमर स्कूल और चाची ऊ देखी उहे है हमर शिक्षा मैडम और देखी चाचा से लड़त झगड़त बड़ी अरे शिक्षा हम आवे वाला रही लेकिन कुछ काम ई कौनो बात भइल का अरे हमार बात तो सुना
हमके तोहर कौनो बात नहीं के सुने के जा यहाँ से। बल्लू तू अपना क्लास में जा और सुना अपना चाचा के मत बताइए कि हम आज स्कूल आई रहने ठीक बाय बाय। अच्छा ठीक बा हमारे वो बात मनबू हम ना मानम काहे से कि तुहरा कारण हमार दिन खराब है और तू एगो कॉलो ना कहिला। अरे तू समझ ले नहीं कुछ आहत का समझावल चाहत रहा तू हमके एगो पे एगो कहानी सुनाल जाता रहा। राजा भैया हाँ? फोन आयल बा फोन शिक्षा मैडम के फोन बा। हाँ बोला। अच्छा सुना कल भोला बाबा के मंदिर में आ जाइए। काहे कोनो खास बात बा का? अरे हाँ कल तीज बा और हम तोहरा खातिर व्रत रखतानी। अच्छा अच्छा तो हमारा आवल जरूरी बा का? तो काहे ना आइल जरूरी बा तोहरे खातिर तो व्रत रख ले बानी ना व्रत तू ही तोड़ बा। बाय बाय। राजा भैया जब ही मैडम के पता चली कि तार शादी हो गई बा तो तार बाजा बाज जाई। बात तो सही कहता रे जो अब काम देख। ठीक बा We'll be right back.
रहे सोरा हो सिंगारे भोला, बनल रहे सिंगरा हमारे भोला, बनल रहे सिंगरा हमारे भोला। बी ए एन ए एन ए बनाना, बनाना मीन्स केला। अब जल्दी से आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, 10 मिनट बाद आप सबसे पूछूंगी। शिक्षा मैडम जी। हाँ जी। 10 मिनट के लिए फ्री हैं आप? जी जी, बोलिए। कैसा चल रहा है आपका क्लास? बहुत अच्छा चल रहा है। आज आपका क्लास नहीं लगा क्या? नहीं, बच्चे पढ़ रहे थे अपने क्लास में, तो हमें टाइम मिला तो हमने सोचा चलो आपसे मिल लेते हैं। अच्छा, चलिए आइए बाहर बैठ के बात करते हैं। देखिए मजनू लाल जी, आप जाइए, मेरा क्लास चल रहा है, मैं नहीं आ सकती। मैडम हमके याद हाल सुनाई रहुआ के। बैठ, बात कर रहे ना दो टीचर, बैठ। हा? पढ़ अपना ध्यान से। देखिए मजनू लाल जी, आप हद पार कर रहे हैं। अगर आप नहीं गए यहाँ से तो मुझे मजबूरन प्रिंसिपल जी को बुलाना पड़ेगा। जाइए यहाँ से। मैडम आप जानती हैं ना, अभी हम कुंवारे हैं। जी। तो कुंवारे को आप दुत्कार रही हैं और शादीशुदा आदमी से आप नटमटक्का कर रही हैं। क्या मतलब है आपका? मतलब तो आप बूझ ही गई होंगी, वो जो रोज रोज लड़का स्कूल में आता है ना, उसकी शादी हो गई है। हाँ? और आप उसके साथ नैन मटक्का करके हमें भाव भी नहीं देती हैं। ये क्या बोल रहे हैं आप? जी मतलब हम सही बोल रहे हैं, आपको विश्वास नहीं है मेरे ऊपर तो उसके भतीजे से पूछ लीजिए आप। चलता हूँ। कीप क्वाइट, चुप हो जाओ तुम लोग। हे भगवान, क्यों और के गलती की सजा हमरा के कहे देता ही मैडम जी? सच सच बतावा, तोहर चाचा शादीशुदा बाड़न की ना? नहीं तो आज पूरा दिन तोहरा के एंगने मुर्गा बना के रखा। सच सच बताओ तानी, हमरा चाचा के ब्याह हो गइल बा, अब तक जाए दी। अरे आगेलू, कहाँ रह गेलू? और ये बैट क्रिकेट खेल के बगा। अरे रुको, अरे तोके बताओ था नहीं अबे, जहाँ से मार दें तोके। रुको, अरे बतावा तो कहाँ भाई? तू हमार नहीं कह सकता तो तोरा के और के बिना के दे, जान से मार दे तोके। अरे बाप रे, अरे हम मरी है तो तू विधवा हो जाए। दुआ तो चुड़ैल हुई हम ना। देखो बिया जल्दी बाजी में और हमरा मर्जी के बिना भइल बा। और देखो भले हमार बिया ओकरा से भइल बा, लेकिन आज भी हम तोरे से प्यार करेनी। का मतलब भाई प्यार के? देखो अब भगवान ओकर रिश्ता तोड़ के तोहरा भाई से ओकर रिश्ता तोड़ के हमरा साथे जोड़ देने, लेकिन हम तोहार कसम खा के कहता नहीं, आज तक हम ओकरा के छुले नहीं की, आज भी हम तोहरे से प्यार करें नहीं। तका, बिया कर पा हमसे? हाँ काहे न करब, हम तोहसे प्यार करें नहीं तो काहे न तोहसे बिया करब। चला तू कहता अभी तोहसे गुप्त बिया कर लेता नहीं। गुप्त रोग होला, गुप्त बिया ना। अरे जवान कुछ भी हो थोके, लेकिन हम तो तोरे से ब्याह करके तैयार बनी ना, तब तो तोके भरोसा हो जाए ना कि हम तोरे से प्यार करें नी। ना पहले ओके तलाक तब हम सोचब।
हे भगवान, ई कौन मुसीबत में पड़ गई। बहू, दादाजी बहरे बैठल बाड़े खाए खातिर लेके आवा जी। भूमि जी, का भाई? कुछ ना। कई दिन से देख रहल बानी, तू हमरा से कुछ कहल चाहता रह पर कह नहीं के पावत।
ना था। राजा, हम तुहार पत्नी बाद में हैं, पहले तुहार दोस्त हैं। बतावा ना, का बोलल चाहत रह? अब ऐसन कौनो बात तो नहीं के? कौनो बात नहीं के? ली चाय। हाँ, रख दो। एक का चुड़ी टूटल नहीं खेबा का भाई? हाँ, काल राहुल बाबा सोचत रहलेन कि देवर जी बाप काहे नैखन बनत। देवरानी साहिबा के कुल सुहागन चूड़ी देख के पता चलता कि देवर जी और उनकरा बीच में कुछ ठीक नहीं खे। अब चूड़ी देख के तू भविष्यवाणी करे लगलू? जा ना किचन में, कुछ कार होई। जा, कुछ काम करो, सब कुछ ठीक बा। अरे कुछ ठीक नहीं खे, ये हम दावा के साथ कहतानी। हम दावा के साथ कहतानी सब कुछ ठीक बा तब? लाहे, चाय तो ठीक से बनते नहीं खे, भविष्यवाणी करे लगलो। जा जा, अपन काम करा, जा। खा। अरे राजा के खनवा लावा जल्दी। ना ना, तू लोग खा, हम क्या आ जाए। अरे अरे अरे, का भाई का भाई? अरे भूमि भूमि, अरे अरे नीरज मुंह का देखत बड़ा, गाड़ी निकाला, गाड़ी जल्दी हॉस्पिटल लेके जा। भूमि के लिए अरे जल्दी जा, गाड़ी निकाला तनी। हां चल, जल्दी लेके आओ बेटा, चल 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 जल्दी। का डॉक्टर साहब, सब ठीक तो बा? का भइल भूमि के? पेट में दर्द था, अब ठीक है, मैंने दवा दे दी है। अच्छा, हाँ, हाँ। ये सारी रिपोर्ट्स मैंने निकलवा ली है। रिपोर्ट्स के अनुसार पता चला है कि आपकी पत्नी कभी मां नहीं बन सकती। उनके पेट में जो दर्द था उसके लिए मैंने दवा लिख दी है, अब आप चाहें तो उन्हें घर ले जा सकते हैं। ना बेटा, दो आराम करा। ना माँ जी, अब हम एकदम ठीक बने, कोनो दिक्कत नहीं है। हाँ हेलो दादाजी, भूमि कब माही ना बन सके ले। क्या? हाँ दादाजी, आप कुछ आराम बाना बेटा, ठीक हो जाए। भूमि बेटा, अब तबीयत कैसी? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम लेटी रहो, लेटी रहो, आराम करो, तुमको आराम की जरूरत है। राजा, इधर उधर घूमना बंद करो, फालतू में घूमते रहते हो, घर में रह के बहू की सेवा करो और देखभाल करो बहू की। जी। पर बाबा, अब हम ठीक बानी। हाँ तुम ठीक हो बिल्कुल, लेकिन तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम आराम करो, तुम घर के काम की चिंता मत करो, बड़ी बहू सब संभाल लेंगी। वैसे भी आज तक सारा काम हम ही संभालत रहनी और आगे भी संभाल ले, इनकरा के थोड़ी ना कुछ भइल बा, बस लड़की नहीं खे पैदा कर सकत, बाकी सब तो ठीक ही बा। ए बड़ी बहू, तुम्हारी जुबान ऐसे बहुत चलती है, जाओ यहाँ से, जाओ, संभाल लेंगे। बाबूजी, बड़की दुल्हन तो ठीक है ना कहतड़ी? भूमि बेटा, इन लोगों की बात को दिल पे मत लेना, समझी बेटा, तुम सिर्फ आराम करो, मैं हूं ना, आराम करो। राजा, हाँ बाबा, बहू की देखभाल करो। जी ठीक है, ठीक, मैं चलता हूँ बेटा। जी अच्छा बेटा, तू आराम कर, हम आवत नहीं। राजा, हाँ, तू ख्याल रखिया। बस आखिरी गोली बा, खाला।
राजा कबले ऐसे ही हमार बोझ ढोआ बा। मतलब ये कि हम चाहता नहीं कि तू दूसर शादी कर ला। का बोलो तारू? हम एकदम ठीक है कहता नहीं, तनी सोच के देखा, आज तो सब कुछ ठीक बा, पर समय के साथ जैसे हमने के उम्र ढली और हमने के पास लड़का बच्चा ना रही है, तो बुढ़ापा में हमने के सहारा क्या बनी? और तू बिल्कुल चिंता मत करा, जैसे एक घर में दो बहिन प्यार से रहेली, वैसे ही हम उकरा साथे प्यार से रह ले। भगवान के भी यह मर्जी है, प्लीज तू दूसर बिया खातिर मान जा। इतना आसान नहीं है, अगर हम मान भी जाए, घर वाला लोग मान भी जाए, बाबा कबो न मनिया। बाबा के हम मना लेब, पागल हो गए तुम दोनों, पागल हो गए हो। सात जन्म साथ रहने का वादा किया था और अभी सात महीने नहीं बीते और शादी टूटने की बात हो रही, आखिर क्या दिक्कत है लोगों की शादी से? बोलो क्या दिक्कत है? भूमि माई नहीं खे बन सकत और रउआ कहता नहीं कि कौनो दिक्कत नहीं खे। बहू बाबा दीदी ठीक है तो कहता रही, जब हम संतान सुख नहीं की दे सकत तब कम से कम इनका के दूसर बिया कर लेवे के चाहिए, ताकि ये घर में खुशी आ सके। और यही मैं हमनी दोनों लोग की सहमति बाबा। लेकिन मेरी सहमति नहीं है। और हम हो सहमत नहीं थी, ये दूसर बिया के बात कही तू लोग बंद करा। बाबूजी यही से ना कहत रही कि शादी ब्याह के मामला बा तनी सोच समझ के करी, लेकिन रउआ का ये का भइल, शादी ब्याह टूटे के कगार पर आ गइल बा। तुम चुप रहो, एकदम चुप। भूमि बेटा, अभी आपकी बहुत बड़ी उम्र पड़ी है, पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारी, बेटा मैंने राम नारायण जी से वादा किया था कि आपकी पोती को हमारे घर में कोई कष्ट नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन बेटा इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार राम नारायण जी से बात करना बहुत जरूरी है और मैं उनसे बात करूंगा। हाँ बेटी, क्या तुम भी यही चाहती हो? हाँ बाबा। बेटिया हमके तो लगा था तू ही कौनो मजबूरी में फैसला लेता हो। ना पापा, कौनो मजबूरी नहीं थे, बल्कि हम तो खुद इनका के दूसर बिया करे खातिर कहनी है। देख लिया ना राम नारायण, देख लिया ना आपने, अरे मैं समझा समझा के थक गया हूँ इन लोगों को, लेकिन ये लोग फैसला ले चुके हैं। चाचा जी, अगर कोनो दूसर बिया होई तो हमार बिटिया रही कहां, नैहरे में और समाज का कही? ना पापा, हम कहीं ना जाइब, हमारी ये घर है। और रहुए तो कह ले रनी कि हमनी के संस्कृति में दान करे के परंपरा है, हर एक बार दान दिहला के बाद वापस ना लिहल जाला। कन्या दान के रूप में आप हमार दान कर चुकल बानी, और माई कहत रहली कि नैहर से डोली उठे ले और ससुराल से अर्थी, यही से हम अपना ससुराल में ही रहब। और बाबा, हम ही फैसला अपना खुशी से ले ले बनी, यही से हम चाहता नहीं कि हमनी लोग के खुशी के खातिर आप लोग भी अपन सहमति दे दें।
ठीक है बेटी, जब तुम सब लोगों ने सोच ही लिया है तो इसी में हमारी खुशी है। भूमि बेटा। जी बाबा। आई बैठी। बैठो बेटा बैठो। भूमि बेटा, इतना बड़ा फैसला लेने के बाद ये पूछना कि तुम खुश हो या दुखी, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई कारण ही नहीं है पूछने का। अब तुम खुश हो, मुझे इस बात को सुनिश्चित करना था बस। बेटा, राजा की शादी कहां और किस लड़की से होगी इसका फैसला तुम करोगी, ये जिम्मेदारी मैं तुमको दे रहा हूं। लेकिन बाबा, हम राजा और आप मिलके देखो बेटा, मेरी जिंदगी के अब 4 दिन बचे हैं, लेकिन तुम्हारी तो पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है, पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है बेटा। और मैं चाहता हूं कि तुम राजा की शादी एक ऐसी लड़की से कराओ जिसके साथ तुम पूरी जिंदगी खुशी खुशी गुजार सको, और मैं तुम्हारी खुशी देखकर निश्चिंत होकर मर सकूं बस। हाँ बेटा, अब भूमि बेटा मैं चलता हूं। भूमि तू ऐसा का कर आइल बड़ू? भगवान जी से अपना पति के खुशी मांगे आइल बानी। कैसा औरत बाड़ू तू? पहले हमर भैया से शादी तोड़ के ओकर दिल तोड़ देलू, और अब राजा के नाम लेके हमर सामने हमर दिल दुखा बताड़ू? दो प्यार करे वाला के पूरा जिंदगी खराब कर देलू। देखा शिक्षा, जे भी भाई वो इतना जल्दबाजी में भाई कि का सही है का गलत है ये सोचे कि समय ही ना मिलल। पर कहल जाला ना, भगवान दू प्यार करे वालन के मिलावे खातिर कौनो ना कौनो रास्ता निकाल ही लेवेले। हम राजा के पत्नी तो बन गई नी, पर उनका के पिता बने के सुख हम कबो ना दे पाई। जे गलती करे ला ना, ओके ओकर सजा ए धरती पे मिलेला, यही जा मिलेला ओके ओकर सजा। खैर छोड़ा, तू हमके काहे के ये सब बताओ तड़ो? काहे के हम चाहता नहीं कि तू राजा से शादी करला। ऐसे दो प्यार करे वाला लोग पूरा जीवन एक दूसरे के साथ रही हैं, हमरा खातिर राजा के खुशी से बढ़ के और कुछ नहीं के। यही में राजा के खुशी बा, और अगर सोच के देखबू ते ही में तोहरो खुशी भी बा। शिक्षा के बिया हुआ ना हो सकेला तो ना हो सकेला, हम कबो न हो देव। का है? अरे अच्छा लड़का बा, अच्छा घर बार बा, तेरा का दिक्कत बा? अरे तोहरा के कौनो खबर बा का? जौन धोखा हमरे साथ भइल उ धोखा हम शिक्षक साथ कबो न होखे देव। अरे पापा, दुनिया में लइकन के कमी बा का? हाँ, जौन तू शादीशुदा लइका के साथ शिक्षक के ब्याह करावत बड़ा? हाँ, अरे ओकर ब्याह ओकरे साथ भइल बा, उ भूमि भूमिया के साथ, जेकरा खातिर हमार रात दिल जलत बा। अच्छा त
तो ई बात के तहरा परेशानी बा ना हम ई बात खातिर ना परेशान बनी जाओ तहरा के समझे की बा तू समझा लेकिन ब्याह ना हुई तो ना हुई काहे भैया जब वो हमके पसंद करेलन और हम उनके और घर में भी सबके और राजी बा तो तोहके का दिक्कत बा का हमार खुशी में तोहर खुशी नहीं खे देवर जी शिक्षा के ब्याह की जिम्मेदारी तो हमनी के ऊपर बा ना आखिर शिक्षा के ब्याह कहीं ना कहीं तो कर ही के पड़ी ना वैसे भी हमनी के उनकरा से नीमन लड़का खोजले पे भी कहां मिली हां तू ठीक कहत अरु बहू अरे ये दोनों एक दूसरे के जानेलन पहचानेलन अच्छे से प्यार करेलन तू चिंता मत करो बेटा समझला सब ठीक हो जाई हम जाता नहीं आज उनका के खबर देता नहीं ठीक बा तो ठीक बा तोहरा के जौन करे एक बार करा जहां ब्याह करवाओ एक बार करवावा लेकिन ब्याह के बाद कौनो गड़बड़ भइल ना तो हमारे पास मत आइया हाथ उठा दे ठीक बा बाबूजी बोली ना उनके अरे छोड़ ना बेटा पागल बा यही खातिर तो ओकर मतारी ओकर से नाराज बड़ी तू चिंता मत करा तहार ब्याह ओजी हुई ठीक बा सच ना जा खुश रह तोहरा के जौन करे एक बार करा जहां ब्याह करवाओ एक बार करवावा लेकिन ब्याह के बाद कौनो गड़बड़ भइल ना तो हमारे पास मत आइया हाथ उठा दे ठीक बा हेलो बस कुछ दिन के बाद बा ओकरा बाद फोन करने की जरूरत ना पड़ी पूछा काहे काहे खातिर अरे बुद्धू कुछ दिन के बाद हमने के ब्याह हो जाए और हम ओकरा बाद तोहर सामने 24 घंटा रहब का भाई अच्छा छोड़ा ही बतावा भूमि से तलाक के बारे में बात भइल हाँ बात भइल तैयार बाड़ी का बात कर तड़ा इतना बोर खुशी हमसे अभी ले छुपे ले रहा बोला काहे अच्छा ये बतावा कब ले बोल लिया तलाक देवे खाती के अच्छा ठीक बा हम बाद में बात करते हैं रुका यहीं जावा बैठा का बात बा का कल चाहता रहा इतना बेचैन काहे बड़ा भूमि एक बहुत जरूरी बात करे के बा लेकिन बोले के हिम्मत नहीं खे होत जब बात जरूरी बा तो कबले अपना अंदर दबा के रखबा बोल दा वो कहतिया कि वो हमसे तबे शादी करी जब हम तोरा के तलाक दे हम ओकरा के समझावे की कोशिश के लिए इस सब के कोनो जरूरत नहीं खे दोनों लोग साथ में रह सकता और हमें भूमि की कोनो प्रॉब्लम भी नहीं खे लेकिन हम तलाक देवे खातिर तैयार बानी का हाँ ठीक है तबा वो एकदम सही कहता रही लोग अपन प्यार तो बटबे ना करे ले केहू अपना पति में बंटवारा कैसे सहली चिंता मत करा शिक्षा के बोल दिया कि हम तलाक खातिर तैयार बानी
जहाँ कहब वहाँ साइन कर दे। थैंक यू भूमि। पहले तुमको इन लोगों ने इनकी दूसरी शादी के लिए मनाया और अब तलाक के लिए मना रहे हैं। तलाक चाहिए तुम लोगों को, तलाक चाहिए है? अरे 1999 कारगिल युद्ध में जब मुझे मौत छूकर निकल गई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि भगवान मुझे किसी अच्छे दिन के लिए बचा लिए, लेकिन आज अपने घर में यह हालत देखकर, ये दिन देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसी वक्त शहीद हो जाना चाहिए था। भगवान क्यों बचा लिया मुझे दिन देखने के लिए, क्यों बचा लिया मुझे? हाँ जान बोला। आज हम तोरा के दुनिया के सबसे बड़ खुशखबरी सुनावे जाता नहीं। कैसन खुशखबरी बतावा? हमनी के प्यार के जो उन कुछ दिन खातिर ग्रहण लग गए रहे अब दूर हो गए। का बात करे तोरा, सच में अब हमनी के दूर दूर ना रह के पड़ी। पूछा कैसे? अरे भूमि तलाक खातिर तैयार हो गई बाड़ी। अच्छा ये बतावा कब ले तलाक देवे खातिर बोल ली? पेपर सब तैयार हो गई बा, काले हमनी के कोर्ट में दाखिल कर लिए, ओकरा बाद हमार जान हमरे पास। ठीक बा। आई लव यू जान। आई लव यू टू। राजा तो हरे दुलार से कोमल के कल
का भइल बे? बबलिया के बारे में सोचता रे का? हमार लव स्टोरी तो सक्सेस हो गई, तोर कहां ले पहुंचल बेटा? अरे बबली गल तेल लेवे, प्यार मोहब्बत बहुत बुरा चीज है। का भइल रे? बबलिया धोखा दे देलस का? इतना दुखियों के काहे बोलत रे बे? बस करा, जब से हम चाची के तोहरा प्यार में रोते देखले बानी, तब से हमर प्यार से भरोसे उठ गई बा। पता ना चाची के रोवा के तहरा कौन खुशी मिलला। बाबा खाना। हमको भूख नहीं है खाने की, वापस ले जाओ। जाओ का भइल बाबा? राउर तबीयत तो ठीक बा ना? अरे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं एकदम अच्छा हूँ। ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? हमके का भइल बा, हम तो एकदम ठीक बानी। बहुत ठीक हो, आओ इधर बैठो। बैठो जरा बैठो। हाँ इधर रखो। देखो बेटी, जब से राजा की दूसरी शादी तय हुई है ना, पूरा परिवार के सब लोग बहुत खुश हैं। सब खुश हैं, किसी को कोई समस्या नहीं है। लेकिन मुझे समस्या है, और मुझे इस बात की समस्या है कि राजा की दूसरी शादी के बाद तुम्हारा क्या होगा। पर बाबा हम तो खुश बानी ना, और ब्याह के बादो खुश रह, आप हमारी चिंता मत करी। अरे पगली, अरे तू किस मिट्टी की बनी है रे? किस मिट्टी की बनी है? दुनिया की तू पहली औरत होगी जो अपने पति की दूसरी शादी से खुश है। कोई औरत दूसरी शादी से खुश नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। बाबा अगर सवाल हमरे जिंदगी की रात, तो शायद हम कभो भी इतना बड़ फैसला ना ले ले रहती। पर यहां सवाल केहू और की जिंदगी, केहू और की खुशी के बा। और तुम्हारी खुशी का क्या? हमार खुशी जेकरा पास बल्लू जैसन इतना प्यार से चाची बुलावे वाला भतीजा होखे, रउआ जैसन अपन खुद के बेटी समझे वाला बाबा होखे, इतना प्यार करे वाला परिवार होखे, ओकरा खुशी के कौन कमी बा? हाँ हम एकदम खुश बानी। तुम खुश हो? हाँ हम एकदम खुश बानी। अब रउआ खाना खाली, ना खाएं तब हम दुखी हो जाए। कुछ और चाहिए तो आवाज दे दें।
देखिए राजा, मैंने केस की पूरी तैयारी कर ली है। आज आपका तलाक पूरा हो जाएगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बैठिए। ठीक। बैठिए। प्लीज कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, वैवाहिक जीवन आकर्षक और संपूर्णता से परिपूर्ण जीवन है, लेकिन यह तब संभव है जब जीवन सुखदायी हो और इसमें पति पत्नी के बीच में सामंजस्य हो, प्रेम हो, अटूट बंधन हो, विश्वास हो, एक दूसरे के प्रति समर्पित होने की ताकत हो, तब जाकर यह काम पूरा हो सकता है, वरना जीवन कड़वाहट से भर जाएगा। मेरे क्लाइंट मिस्टर यादव ने इस रिश्ते की डोर की बुनियाद को मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने अदालत के दिए गए 6 महीने के वक्त को भी बर्बाद करके रख दिया और इन्होंने यह साबित किया मैं जीती भी अपने लिए हूं और किसी का ध्यान नहीं रखती। जज साहब, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस तरह से मिस्टर यादव ने अपनी समझ के साथ दाम्पत्य की डोर को आगे बढ़ाने का काम किया है, मिसेज यादव ने ऐसा काम नहीं किया है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इनमें नारी होने का संपूर्ण गुण कभी विकसित हुआ ही नहीं। ये खाना खाना तो जानती हैं, लेकिन पकाना नहीं जानती। बड़ों का आदर करने के लिए और छोटों को प्रेम देने के लिए इनके पास कोई शब्द नहीं है। ये तो स्पष्ट कहती हैं कि मैंने तो इसकी पढ़ाई ही नहीं की है। जज साहब, आप सोचिए, रिश्तों की डोर को कैसे बांधा जा सकता है। पति पत्नी का रिश्ता आपसी प्रेम को विकसित करने के लिए होता है। पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे का ख्याल रखने वाला होता है, लेकिन इन्होंने एक दूसरे का कभी ख्याल नहीं रखा। आम जीवन में जब इतनी कड़वाहट है तो इनके दाम्पत्य जीवन में कितनी कड़वाहट होगी, ये आप समझ सकते हैं। नतीजा आपके सामने है कि शादी के इतने दिनों बाद भी इनको कोई संतान नहीं हुई। इसलिए मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मोहब्बत सब तो जानती है, लेकिन उन्हें निभाने में इनका पसीना छूट जाता है। ये तो दोस्ती का 10 शब्द भी नहीं जानती। दोस्त एक दूसरे का पूरक होता है, वैसे ही पति पत्नी का रिश्ता होता है। एक दूसरे के कष्ट में साथ देना एक पत्नी का धर्म होता है, लेकिन अपने पति के परेशानी से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये जीती भी अपने लिए हैं और मरती भी अपने लिए हैं। जज साहब, मैं बड़े कष्ट के साथ कहना चाहता हूँ और मैं आपसे अपील भी करना चाहता हूँ, यदि इन्होंने मधुर संबंध बनाए होते, यदि हमारे क्लाइंट के साथ इनके रिश्ते विकसित हुए होते, तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन मिसेस यादव ने इसकी कोई परवाह नहीं की है, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जो अर्जी मैंने आपके पास लगाई है, उस तलाकनामा पे आप हस्ताक्षर करके इन्हें नई जिंदगी दें। मिसेस यादव, आपको अपने बचाव में कुछ कहना है? नहीं जज साहब। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 धारा 13B के तहत मैं ये फैसला सुनाना चाहता हूं कि मिसेज यादव और मिस्टर यादव के तलाक। आई एम सॉरी जज साहब, हमारे तलाक के लिए जो वकील साहब ने दलीलें पेश की है, मैं उसे सहमत नहीं हूं। राजा, माफ कीजिए वकील साहब, हां ये सही है कि हम लोगों ने आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी दिया था, लेकिन मुझे तलाक मेरी पत्नी के चरित्र को नीचा दिखा के नहीं चाहिए। नहीं जैसा, वकील साहब ने कहा कि मेरी पत्नी को दोस्ती के मायने पता नहीं। मिलाउड, मैं तो यह कहता हूं कि मेरी पत्नी की जैसी
दूसरी दोस्त इस दुनिया में हो ही नहीं सकती है। रही बात मेरे परिवार की, तो इस तलाक से मेरे परिवार में कोई खुश नहीं है। मेरे परिवार के लोग इनके स्वभाव से और इनसे इतने प्रभावित हैं कि मेरे दादाजी, मेरे भैया, मेरे भाभी, मेरा भतीजा कोई यहां तक नहीं आया, और जो लोग आए हैं, मेरी मां, मेरे पिताजी, वो लोग इस तलाक से कितने दुखी हैं आप इनकी आंखों में देख सकते हैं। जज साहब, जो औरत मेरे परिवार की खुशियों के लिए अपने सुहाग की बलि चढ़ाने को तैयार है, वो कोई साधारण औरत नहीं हो सकती जज साहब। नहीं चाहिए मुझे तलाक, नहीं चाहिए। बस इतने ना कि तुम आई ना बन सके लो। नहीं के जरूरत हमरा कौन बच्चा के ऐसे तोहरा पे झूठा इल्जाम लगा के हम के दुनिया के कौन सुख ना चाहिए भूमि। दुनिया में बहुत ऐसा बच्चा बा जेकर माई बाप नहीं के अमनी के कोनो बच्चा के गोद ले लेवे के, लेकिन तोरा ऊपर इतना बड़ लांछन लगा के हम के नहीं गिर रहे के। एको प्रेमिका होगला की नाते बहुत दुखी बानी, लेकिन एको औरत होगला की नाते बहुत खुश। औरत के प्रति तुहार ई नजरिया देख के हमरा नजर में तू और भी श्रेष्ठ हो गई। हाँ, हमने के एक दूसरा से प्यार जरूर कहनी जा, लेकिन ऊपर वाला तुहार किस्मत में ई भूमि के भेजले बाड़े और इनकरा से अच्छा जीवन साथी केहू नहीं हो सकत। खुश राजा तू दोनों लोग। हाँ, बाय।
मिस्टर यादव, आपको तलाक की अब कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जो वैवाहिक जीवन मुझे लग रहा है बहुत सुखमय हो, मतलब विश्वास के साथ ये रिश्ता चलेगा। और हमारी कोर्ट की शुभकामना है कि आपका ये वैवाहिक जीवन मंगलमय हो। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। अरे भाई रुको रुको रुको, कहानी का असली सच ये नहीं है कि भूमि माँ नहीं बन सकती। असली सच ये है कि भूमि ने बच्चा ना होने का नाटक रचा था ताकि राजा को अपना प्यार शिक्षा मिल जाए और दोनों हंसी खुशी जिंदगी में रहें। भूमि की जितनी भी प्रशंसा करें उतनी कम है, क्योंकि उसके दिल में पति के प्रति प्रेम भावना का त्याग मानव संसार में सदियों तक याद रहेगा। धन्यवाद।